नहीं लाइव हो गया सर? सर मोबाइल में आ नहीं रहा है सर, एक मिनट सर मैं करके देखता हूँ दोबारा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मिलते हैं, हमको सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन, सम टेक्निकल इश्यू वाज देयर, अभी वो सॉल्व हो गया। सो फ्रेंड्स वेलकम वेलकम टू अन अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर मिलते हैं हमको डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्ट्रक्चर कोर्सेज, वो भी सब अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। और इसके लिए हमको करना होता है डाउनलोड अनलर्निंग ऐप, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो आपको मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पर, और अगर आईफोन यूज करते हो तो ऐप स्टोर पर। यहां से हमको फ्रीडम मिलती है कभी भी कहीं पर भी पढ़ने की। यस भैया, कहीं कभी भी और कहीं पर भी पढ़ने की, और वो भी इंडिया के इन ढेर सारे टॉप एजुकेटर्स के साथ। यस सर, और मेरा नाम अमित मोदी है, मैंने 4 बार मेंस क्वालिफाई किया है, सॉरी 4 बार मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस दिया है, 2 बार इंटरव्यू दिया है, और 2008 से मैं पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा अनअकैडमी पर प्रोफाइल है, unacademy.com/@amitmodi0408। आप ऐप डाउनलोड करके इसे आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि मेरा कोई भी लाइव सेशन रहेगा तो तुरंत की तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल ऑफ द अनअकैडमी, unacademy_amitmodi। इस पर आपको PDFs और सारी चीजें मिल जाएंगी। वेलकम 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 माई डियर लर्नर्स, वेलकम वेलकम राम कुमार, वेलकम गौरव, सूरज, होरिया, अंजुम, वेलकम अप्रीशा, वेलकम गुलाब, सूरज, नंदिता, गौरव, वेलकम टू द सेशन बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द प्री हिस्टोरिक कल्चर्स ऑफ इंडिया। यस भैया, पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, न्यूलिथिक, चेल्कोलिथिक, मेगालिथ, ये सब हम लोग आज यहाँ पर पढ़ेंगे हमारे इस सेशन में। वेल फ्रेंड्स, अनअकैडमी के ऊपर आपको एक सब्सक्रिप्शन के साथ एक्सेस करने को मिलते हैं 15,000 से भी ज्यादा कोर्सेज फॉर द यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन। यस सर, एक सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड बेनिफिट्स, आप घर से अपने कंफर्ट जोन में पढ़ाई कर सकते हो। भैया कंफर्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सिविल सर्विस कंसंट्रेशन बनाने के लिए, ताकि सिविल सर्विस का एग्जाम अच्छे से हम लोग प्रिपेयर कर पाए और क्रैक कर पाए। यहाँ पर अनअकैडमी पर एग्जॉस्टिव कवरेज होता है सिलेबस का, आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड होता है, अनलिमिटेड एक्सेस होता है सारे के सारे कोर्सेज का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस लगते हैं, आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया के जितने भी टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं उनसे आपको हर एक प्लेटफॉर्म पर पढ़ने का मौका मिलता है, लाइव टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप एंड गाइडेंस। भैया सब्सक्रिप्शन का एक और फायदा, जितने भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं वो भैया यूट्यूब पर या स्पेशल क्लासेस पर ज्यादा क्लासेस वो नहीं ले पाते हैं, सारे के सारे एजुकेटर्स, बिल्कुल भैया सारे के सारे एजुकेटर्स हमको यूट्यूब या स्पेशल क्लासेस पर नहीं मिल पाते हैं अनअकैडमी के। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सारे के सारे एजुकेटर्स, यस भैया लगभग 150+ एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के ऊपर, और ये सारे के सारे एजुकेटर्स का एक्सेस आपको एक सब्सक्रिप्शन से मिल जाता है। सब्सक्रिप्शन आप लोग चूज कर सकते हो, 2 टाइप के हैं, प्लस का और एक आइकॉनिक का। प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलता है हमको 44,000 रुपीज पर एनम पर, यानी कि 12 महीने के लिए, और 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन है 64,000 का, यस 2 साल के लिए यानी कि 24 मंथ्स पर। 10% का आपको इसके अंदर इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा अगर आप एडमिशन के टाइम पर रेफरल कोड यूज करते हो अमित मोदी। यस अमित मोदी, जैसे ही आपने ये रेफरल कोड यूज किया आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट, मिलेंगी साथ में डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू की भी तैयारी हो गई, ऑप्शनल भी आ गया, टेस्ट सीरीज भी हो गई, स्टडी मटेरियल भी मिल गया, सब कुछ सिर्फ 3,600 रुपए पर मंथ के हिसाब से। भैया ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, आप ईएमआई पर भी ज्वाइन कर सकते हो, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। 2 ईयर का प्रोग्राम तो और भी सस्ता है, 2,600 रुपीज पर मंथ ओनली। यस भैया, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा एक पर्सनल कोच, भैया हम तो हैं ही आपके साथ, साथ में एक और आपको पर्सनल कोच मिल जाएगा। 64,000 प्राइस है फॉर द 12 मंथ्स, डिस्काउंट के बाद पड़ेगा आपको 57,600 का, 10% का डिस्काउंट आफ्टर यूजिंग द कोड, रेफरल कोड अमित मोदी। ये रेफरल कोड आप यूज जैसे ही करते हो 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 99,000 फॉर द 2 ईयर, 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप अमित मोदी रेफरल कोड यूज करते हो तो। ये और साथ ही साथ में मेरी मेंटोरशिप भी, बिल्कुल आप आ जाओगे मेरी गाइडेंस में, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, ऑप्शनल के लिए,
ठीक है, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। आपका यहाँ पर डेली स्टडी प्लान तैयार किया जाएगा कि डेली आपको कितना पढ़ना है, ठीक है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब आपको आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर बताया जाएगा। इवन प्लस में भी ये सारी चीजें बताई जाती है, आइकॉनिक में भी आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी विद द पर्सनलाइज फीडबैक। आज आपने कितना पढ़ा, उसका आपका आउटपुट कितना निकला, आपको और आपके वीक पॉइंट्स क्या क्या हैं, आपको और कहाँ पर वर्क करने की जरूरत है, ये सब आपके पर्सनलाइज फीडबैक में आपको बताया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये सब प्लस का आप जो है बिल्कुल बेनिफिट उठा सकते हो। फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं, ठीक है। आज जैसे ये क्लास है, इसमें हम फंडामेंटल राइट्स के एमसीक्यूज डील करेंगे, लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत बुक के हम सारे चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यूज डील कर रहे हैं। तो आज फंडामेंटल राइट्स की बारी है, रात को ठीक 10:30 बजे ये क्लास रहेगी। हिस्ट्री का ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, इसे आप सब्सक्राइब करके एक्सेस कर सकते हो। तो वेल फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई विद अनअकैडमी। भैया, अगर आप वाकई में थोड़ा सा सीरियस हो और रेगुलर अपनी स्टडीज को रखना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा स्टार्टिंग में कि आप सब्सक्रिप्शन लेना ना भूलें यूजिंग द कोड अमित मोदी। बिल्कुल भैया, दिस इज द की। अभी 2 दिन पहले हमारा एग्जाम हो चुका है प्रीलिम्स का, अनअकैडमी के क्लासरूम प्रो बिल्कुल सब्सक्रिप्शन वाले कोर्सेज से लगभग 78% पेपर जो है बच्चों को मिल गया। काफी अच्छे तरीके से, काफी अच्छा परफॉर्मेंस बच्चों ने दिया है इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो वेल फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज द प्री हिस्टोरिक कल्चर ऑफ इंडिया। पर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल भैया, रिचुअल तो निभाना पड़ेगा। हमारे लर्नर्स आए हैं, उनको थोड़ा सा ग्रीट करना। वेलकम अंजना, वेलकम टू द क्लास। नूरोज अख्तर, वेलकम भाई। भाई स्टार्ट कर ही रहे हैं भाई, ठीक है, स्टार्ट हो ही गई क्लास, है ना। होरियम वेलकम, मनप्रीत वेलकम, वेलकम टू द सेशन। तो भैया, प्री हिस्टोरिक कल्चर ऑफ इंडिया ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्री हिस्ट्री, मैंने कल भी आपको बताया था कि प्री हिस्ट्री क्या होती है, ठीक है, प्री हिस्ट्री, ठीक है, ये चीज। अनुराग, ऑलरेडी कंप्लीटेड, लास्ट मंथ ही कंप्लीट किया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हो। बिल्कुल, इंडियन पॉलिटी बाय अमित मोदी आप जैसे ही डालोगे, सारे के सारे, पूरी किताब है, 80 के 80 चैप्टर हमने डील किए हैं वहां पर, आप वहां पर वो सारे लेक्चर्स देख सकते हो। अब उनके एमसीक्यूज चल रहे हैं स्पेशल क्लास पर, प्लेटफॉर्म पर, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर, आप उनको भी आके अटेंड कर सकते हो, फ्री है, एब्सोल्यूटली फ्री है। वेलकम वेलकम अंजना, वेलकम दीपशिखा, वेलकम पवित्रा, करण। सो प्री हिस्ट्री पीरियड, भैया मैंने कल भी आपको बताया था, प्री हिस्ट्री वो पीरियड होता है हमारे एंशियंट पास्ट का, जिसके हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। यस, वी डू नॉट हैव द रिटन रिकॉर्ड्स। हमारे पास क्या मिलता है, हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, यानी कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, ठीक है। मैंने कल भी आपको ये बताया था कि 1784 में जब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्टैब्लिश किया बाय विलियम जोन्स, तब से इंडियन एशियन स्क्रिप्चर्स को पढ़ना शुरू किया गया। यस, स्क्रिप्चर्स यानी कि लिखी हुई किताबें, उनको पढ़ना शुरू किया गया। और जैसे ही 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई, बिल्कुल 1800 AD के अराउंड में, तब मटेरियल रिमेन्स को स्टडी करना शुरू किया गया ऑफ द इंडियन, ठीक है, ताकि उसका उसको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके। और जैसे जैसे जितने भी स्कॉलर्स थे, जैसे जैसे वो चीजों को ढूंढते चले गए, इसका वेट करते चले गए, इंडिया की एंशियंट पास्ट की हिस्ट्री जो है वो परत दर परत जो है रिवील होती चली गई। और यहां से हमको मिला अर्लिएस्ट मैन का एविडेंस, यस, शिवालिक रीजन में। बिल्कुल, आपने नाम तो सुना ही होगा, आउटर हिमालयस, दैट इज द शिवालिक रीजन, ठीक है। शिवालिक रीजन जो है, ठीक है, ठीक है, शिवालिक रीजन जो है, शिवालिक रीजन का जो पार्ट है, ठीक है, वहां पर हमको पहली बार एविडेंसेस मिले। लेकिन उससे पहले 1863 में मिस्टर ब्रूस फूट ने जो है पहला प्री हिस्टोरिक हैंड एक्स 1863 में अतिरम्पक्कम चेन्नई के पास में एक जगह है, वहां से मिला, ठीक है। और यस, उसके बाद में और एक्सकर्वेशन में तेजी आ गई, जितने भी मटेरियल रिमेन्स थे जो मिले हमको पूरे पैन इंडिया, ठीक है, उन सबको स्टडी करना शुरू किया गया। और एक डिस्टिंक्ट एज जिसको हम स्टोन एज बोलते हैं, ये जो है डिस्कवर की गई ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कहा गया कि भैया स्टोन एज के टाइम से ह्यूमन सेटलमेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है और पैन इंडिया है, ठीक है, एक आध दो रीजन में नहीं, पैन इंडिया है, ठीक है। ये चीज अर्लिएस्ट मैन का लिविंग, बिल्कुल, यहाँ पर हमने टूल्स और इम्प्लीमेंट्स जो कि स्टोन से बने हुए थे, इनके बेस पर हमने एस्टैब्लिश किया। दीज टूल्स, बिल्कुल, ये भैया टूल्स जो बनाए गए, दीज टूल्स यूज्ड टू हंट एंड गैदर द फूड,
ठीक है, या जिससे वो अपने हंगर को सेटिस्फाई कर सके। आपको एक और बात सुन के हैरानी होगी भैया, बिल्कुल पहली बार में जब स्टोन को ह्यूमन बीइंग ने यूज किया, बिल्कुल जब मैनकाइंड ने यूज किया, इट वाज नॉट यूज्ड एज अ टूल, यस इट वाज नॉट यूज्ड एज अ टूल, इट वाज यूज्ड एज अ वेपन, यस भैया वेपन की तरह इसको यूज किया गया अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। भैया क्या हुआ, भैया प्रिमिटिव मैन था, सामने आ गया बहुत बड़ा जानवर, कैसे बचाएगा अपने आप को, बिल्कुल दिखा पत्थर फेंक के मारा, मर गया, निशाना अच्छा था, मर गया आंख में लगा तो, ठीक है। तो तब से जो है उसने कहा क्या ये अच्छी चीज है, और फिर धीरे धीरे उसने इस वेपन को टूल में ट्रांसफॉर्म किया। वेल फ्रेंड्स, प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो है ये जहां यहां पर हम लोग पढ़ते हैं इवोल्यूशन, बिल्कुल भैया इवोल्यूशन पढ़ते हैं ऑफ द मैनकाइंड फ्रॉम हंटर एंड फूड गैदरर टू द प्रोड्यूसर, बिल्कुल पहले ह्यूमन बीइंग मैन का नाम ये इमेज में देख सकते हो, पहले मैनकाइंड जो है इस तरीके से हंटिंग करता था, फूड को गैदर करते थे, कलेक्ट करते थे, ठीक है। यस, जो भी फ्रूट्स हैं, जो भी फल हैं, जो भी प्रोड्यूस है फॉरेस्ट का, वो जब जब जमीन पे गिर जाता था या उसको कलेक्ट करके वो फिर अपना हंगर को सेटिस्फाई करते थे। लेकिन बाद में, यस बाद में दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग द प्लांट्स, दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग द एनिमल्स, और एक सेटल्ड लाइफ, बिल्कुल एक सेटल्ड लाइफ लीड करना शुरू किया। ये चीज ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुई भैया, बहुत साल लगे, बिल्कुल भैया बहुत 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 साल लगे। और जो हमको एविडेंसेस मिले हैं, टूल्स मिले, उनके टाइप्स मिले, पॉटरीज मिली, बोन्स टूल्स मिले, इम्प्लीमेंट्स मिले, इन सब के बेस पर, इन सब के बेस पर जो प्री हिस्टोरिक कल्चर्स हैं उनको ब्रॉडली 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया, 6 क्लासेस में। सबसे पहले रखा गया यहाँ पर पेलियोलिथिक एज, पेलियो, पेलियो मीन्स ओल्ड और लिथिक मीन्स स्टोन, ठीक है। तो ओल्ड स्टोन एज ये आया, फिर उसके बाद मीजोलिथिक, ये ट्रांजिशन फेस है, न्यू मीन्स नया, न्यू स्टोन एज, बिल्कुल यहां पर एग्रीकल्चर सीडेंटरी लाइफ ह्यूमन बींग ने लीड करना शुरू करी। देन कम्स द चेल्कोलिथिक एज, चेल्को मीन्स कॉपर, लिथिक मीन्स स्टोन, तो कॉपर और स्टोन के कॉम्बिनेशन से जो टूल्स, जो इम्प्लीमेंट्स बनाए गए उनको कहा जाता है चेल्कोलिथिक एज। कॉपर ब्रोंज एज, ठीक है, ये एज इवॉल्व हुआ, और यहाँ पर एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक सिविलाइजेशन फ्लरिश हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। और फिर उसके बाद में हमको पता ही है भैया जब आर्यन आए, तो यस अराउंड 1100 टू 1000 बीसी पीरियड आयरन को डिस्कवर किया गया, और फिर जो है आयरन इम्प्लीमेंट्स, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ये बनाए गए, और फिर पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है ट्रांसफॉर्म हो गया। भैया यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेलियोलिथिक एज के साथ, स्टोन एज के साथ, ठीक है। मैंने कहा आपको क्या मतलब होता है पेलियो, पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है, और लिथोस का मतलब होता है स्टोन, इट मींस द ओल्ड स्टोन एज, ठीक है, ओल्ड स्टोन एज। भैया ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें प्लीस्टोसीन पीरियड है, सीनोजोइक एरा का, ठीक है, इस टाइम पर, बिल्कुल इस टाइम पर जो है ये एज शुरू होती है। इस टाइम के एविडेंसेस हमको आउटर हिमालयस यानी कि शिवालिक्स, शिवालिक्स में हमको देखने को मिलते हैं, शिवालिक्स रीजन में, ठीक है। यहाँ पर इस टाइम पीरियड पर जो जनरल पैटर्न है ह्यूमन बीइंग्स का, ठीक है, तो जनरल पैटर्न है ह्यूमन बीइंग्स का, दैट इज इनको कोई आइडिया नहीं था कल्टीवेशन का, आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो, ठीक है। यस ये देखिए, ये एक गेम है, इसको ये लोग हंट कर रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए ये मछली पकड़ रहा है, ये ड्राइंग पेंटिंग कर रहे हैं कुछ, ठीक है। द वीमेन्स, द फीमेल्स, दे आर कलेक्टिंग द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, एंड दीज मेन दे आर कुकिंग द फूड एंड दे आर ईटिंग, ठीक है। तो ये चीज, दे डू नॉट हैव एनी आइडिया ऑफ द कल्टीवेशन, ठीक है, इनको ये भी नहीं पता था कि फायर कैसे बनती है, लेकिन यस इन द लेटर फेजेस दे केम टू नो अबाउट द फायर, बिल्कुल दे केम टू नो अबाउट द फायर एंड दिस दे इन्वेंटेड दिस, ठीक है। उनको ये नहीं पता था कि पॉटरीज कैसे बनाई जाती है, नीड भी नहीं था, तो इन्होंने कभी कोशिश भी नहीं करी, एंड दे वर ऑलमोस्ट इग्नोरेंट अबाउट द मेटल्स, दे वर इनिशियली द हंटर एंड गैदरर्स, दे लिव्स इन केव्स एंड कैवर्न्स, बिल्कुल गुफाओं और कंदराओं में, है ना, इस गुफा केव्स को बोलते हैं, कैवर्न्स कंदराओं को बोलते हैं, तो गुफाओं और कंदराओं में ये लोग रिसाइड किया करते थे, दे यूज्ड टू लिव इन द केव्स एंड कैवर्न्स, ऑलराइट, ठीक है। सोशल ग्रुपिंग कुछ थी नहीं, अगर थी भी तो सिर्फ हंटिंग के लिए बनाई जाती थी, और एविडेंस बिल्कुल अ डिविजन ऑफ वर्क जेंडर के बेस पर कि भैया मेल जो है वो हंट करने के लिए जाएंगे, फीमेल जो है वो फूड को कलेक्ट करने के लिए जाएंगी, तो इस बेस पर ये डिविजन ऑफ लेबर जेंडर बेस्ड, जेंडर बेस्ड पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, जेंडर बेस्ड यहाँ पर डिविजन ऑफ वर्क ये एस्टैब्लिश किया गया, दिस थिंग हैज बीन एस्टैब्लिश। पैलियोलिथिक एज जो है इंडिया के अंदर जो पहला आर्टिफैक्ट, जो पहला आर्टिफैक्ट मिला
ठीक है, पहला आर्टिफैक्ट जो मिला उसके बेस पर जब इसको स्टडी किया गया, स्टडी करने के बाद इट हैज बीन फाउंड कि पीरियोडिक एज की जो शुरुआत है इंडिया के अंदर वो लगभग लगभग 6 लाख BC, 6 लाख टू 5 लाख BC पीरियड के अराउंड में शुरू होती है। ठीक है, यस, 6 लाख BC के अराउंड शुरू होती है और ये लगभग लगभग 8000 BC तक चलती है। उसके बाद एक मेजर चेंज आता है क्लाइमेट में और फिर स्टोन टूल्स इनके फॉर्मेट में भी चेंज आता है एंड द न्यू एज बिगन ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, और फिर धीरे धीरे अराउंड 7000 और 6000 BC पीरियड धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। बिल्कुल, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद एनिमल्स का शुरू हो जाता है डोमेस्टिकेशन, फिर उसका सीडेंट्री लाइफ लीड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यस, सीडेंट्री यानी कि सेटल्ड लाइफ, और फिर एग्रीकल्चर को बूम मिलता है। ये एग्रीकल्चर जब फ्लरिश होता है धीरे 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 फ्लरिश होते होते, बिल्कुल, एक छोटा सा हैमलेट, एक छोटा सा विलेज, विलेज टाउन में कन्वर्ट हुआ, टाउन से सिटी में, सिटी से एक बड़े अर्बन सेंटर में, एंड दोस अर्बन सेंटर्स आर व्हाट, इंडस वैली सिटीज। यस बेटा, इंडस वैली सिटीज, इंडस वैली सिटीज का जब डिक्लाइन शुरू होता है तो फिर से यही कल्चर शुरू होता है। यस, आर्यंस जब वो इंडिया में आए तो देवर द नोमैड्स, बिल्कुल बंजारे थे भैया, बिल्कुल नोमैड्स थे देवर। ठीक है, ये चीज, फिर उन्होंने एक नया शुरुआत किया, जीरो से, एकदम जीरो से शुरुआत करी। ओके फ्रेंड्स, पीरियोडिक एज जो है, मैंने जैसे कहा कि स्टोन टूल जितने भी मिलते हैं इनको उन्हीं के बेस पर 3 डिस्टिंक्ट जोन में डिवाइड किया गया है। पहला है अर्ली और द लोअर पेलियोलिथिक एज, लगभग 5 लाख BC से ये शुरू होती है, मतलब 6 लाख 5 लाख एक ही चीज है। ठीक है, 1.5 लाख BC तक ये जाती है। मिडिल पेलियोलिथिक एज 1.5 लाख BC से शुरू होती है, 35000 BC पीरियड तक जाती है, और अपर पेलियोलिथिक एज जो है ये है मेन एज। यहाँ पर मेन जो है सेटलमेंट्स और ये सारी चीजें, बिल्कुल केव्स एंड कैवर्न्स, पेंटिंग्स, हंटिंग, गैदरिंग, ये बिल्कुल लार्ज स्केल पर यहाँ से शुरू हो जाता है 10000 BC तक। इसके बाद में क्लाइमेट चेंज होना शुरू होता है और यस, बिग एनिमल्स छोटे एनिमल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यस, ये उनका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। हैंड एक्स जो टूल्स यहाँ पर सबसे ज्यादा मिले हैं, दैट इज द हैंड एक्स, क्लीवर्स, फ्लेक्स, ये सबसे पहले, ठीक है, ये सबसे पहले हमको यहाँ पर मिलते हैं, ये पहली बार इन्होंने यहाँ पर बनाया। नाउ ये हैंड एक्स क्यों, सबसे पहले कुल्हाड़ी क्यों बनाई, वाई, हैंड एक्स, एक्स मतलब कुल्हाड़ी होता है ना, हाथ से जो हम कुल्हाड़ी चलाते हैं ना वो चीज। क्लीवर्स एक तरीके से काटने के लिए, क्लीवर्स, फ्लेक्स है ना, पतले पतले, क्यों भाई, भैया जो वो हंट करेंगे उसको काटना भी तो है ना, इस काटना है उसको, बोर करना है उसमें, ब्लेड भी चाहिए काटने के लिए उसके लिए, तो ये चीजें हमको यहाँ पर मिली, ये आर्टिफैक्ट्स हमको मिले। तो यहां से ये चीज मतलब ये चीज शो करता है कि दीज अर्ली पीपल वर हंटर्स, मेनली प्रीडोमिनेंटली दीज वर दी हंटर्स। ठीक है, यस, ये शिकारी थे, शिकार करते थे। ठीक है, शिकार करने के बाद अपने गेम को, बिल्कुल, जो इनका शिकार था यानी कि जो भी हंट किया इन्होंने, उस हंट को जो है कट करते थे। ठीक है, कट करने के बाद में फिर वो उस पर अपना सब्सिस्टेंस करते थे। बिल्कुल, स्टोन जो यूज किया गया, सबसे पहले जो स्टोन यूज किया गया, दैट वॉज क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट के बारे में हमको पता है भैया, इट हैज अ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, यस, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर आप इसे थोड़ा सा भी स्क्वीज करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो जाएगा, करंट लगेगा। मैनकाइंड के साथ भी यही हुआ, प्लस आप इसको रब करोगे तो इट विल प्रोड्यूस अ स्पार्क, फायर का इन्वेंशन हो गया। ये अर्लीस्ट रॉ मटेरियल था। इनिशियली दीस पीपल दे वर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होता चला गया, दे बिकेम अवेयर अबाउट दिस थिंग और उन्होंने फायर को इन्वेंट कर लिया। सॉफ्ट पैलेट तो टूल का, बिल्कुल टूल की तरह इन्होंने इसको यूज किया, लेकिन बाद में फिर मेन आ गया ये फायर की तरह। मैंने जैसे कहा कि इन्होंने सबसे पहले स्टोन के टूल्स बनाए, एक्सेस, एरोहेड्स, स्पियर्स, डिगिंग टूल्स, सर्कुलर हर्लिंग स्टोन्स, चॉपर्स, नाइव्स, स्क्रैपर्स, कोर, हैमर स्टोन्स, बिल्कुल ये थे सबसे पहले टूल्स। ये सबसे पहली बार इन्होंने टूल्स को यहाँ पर बनाया गया। ठीक है, ये चीज, ठीक है, ये पार्ट भैया। हैंड एक्स का काम क्या होता था, फॉर कटिंग एंड डिगिंग पर्पस। क्लीवर का फॉर क्लियरिंग एंड स्प्लिटिंग ऑब्जेक्ट्स, स्प्लिटिंग दो पार्ट में काटना। ठीक है, चॉपर मींस चॉप करने के लिए, साइड स्क्रैपर मींस कार्पिंग द बार्क ऑफ द ट्री, बिल्कुल बार्क ऑफ द ट्री, कार्प करना, धीरे 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 उसको निकालना, जैसे अपन छीलनी से है ना, कोई भी अपना कुकुम्बर छीलते हैं या कुछ भी छीलते हैं ना, जैसे वेजिटेबल्स आलू को छीलते हैं, यस, वो स्क्रैपर होता है, दैट इज वी कॉल्ड एज अ स्क्रैपर। ठीक है, स्किन का निकालना। ठीक है, बरेन, बरेन जो है, बिल्कुल इसका काम होता था
इंग्रेव करना किसी भी चीज पर, रॉक शेल्टर पर कुछ भी नाम को, बिल्कुल फाइनली पॉइंट होता था इंग्रेव करना किसी भी चीज को, ठीक है। ये पार्ट, ये मेन टूल्स ये यूज करते थे, यस जस्ट सी कटिंग पर्पस। तो ये जब टूल्स थे, जब इनको रॉबर्स फ्रूट ने जब पहली बार हैंड एक्स को ढूंढा और जब उसके बाद में ये टूल्स मिले, स्टडी किया गया, तो दे सेड दैट ये जो सिविलाइजेशन थी, बिल्कुल ये जो मेन थे पैलियोलिथिक मेन, दीज वर प्रीडोमिनेटली द हंटर्स एंड द गैदरर्स, ठीक है, हंटर्स एंड द गैदरर्स। ये पार्ट तीन फेजेस में भैया ये हमको इस तरीके से मिलते हैं, हैंड एक्स, क्लीवर्स, चॉपर्स, ये टूल्स मिलते हैं हमको, ठीक है। यस, मिडिल पैलियोलिथिक एज में फ्लेक्स आना शुरू हो जाती हैं और अपर पैलियोलिथिक एज में ब्लेड्स एंड द फरेंस स्क्रैपर्स ये आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये पार्ट फौना, अगेन इंडिजीनियस और फॉरेन ओरिजिन दोनों एनिमल्स मिलते हैं यहाँ पर, जिराफ लाइक भी है, मस्क डियर भी है, गोट, बफेलो, बोवाइंस, एवरीथिंग इज देयर। ऐसा कहा जाता है कि हिप्पोपोटामस और जो एलिफेंट्स हैं ये लगभग लगभग सेंट्रल अफ्रीका से इसी टाइम पीरियड में इंडिया में माइग्रेट हुए एंड दे सेटल डाउन है, ठीक है, दे सेटल डाउन। फौना, यस भैया फौना, ये कुछ आइडिया देता है इनके सब्सिस्टेंस पैटर्न पर। हंटिंग जो है प्राइम इनका ऑक्यूपेशन था, यस इट वाज अ प्राइम ऑक्यूपेशन, इट वाज बिम्बेट का, यस लेटर अपर पैलियोलिथिक एज में पेंटिंग शुरू हो जाती है, ठीक है, बिम्बेट का, बिल्कुल, इट इज अ यूएस वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इट इज मध्य प्रदेश में है, विंध्याचल की पहाड़ियों में, ठीक है, यहाँ पर हमको पेंटिंग्स मिलते हैं, बिल्कुल फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द म्यूराल पेंटिंग्स, बिल्कुल भैया म्यूराल्स हमको सबसे पहले यहाँ पर मिलते हैं इन द बिम्बेट का अपर पैलियोलिथिक स्टेज को ये बिलोंग करते हैं, और सबसे मजे की बात हरे कलर में बने हैं, ग्रीन कलर में बनाए गए हैं, ठीक है। ये चीज पैलियोलिथिक साइट्स भी उसी तरीके से डिफाइन की गई हैं भैया, कुछ तो हैबिटेशन साइट्स हैं यानी कि जहां पर सिर्फ लोग रहा करते थे, कुछ फैक्ट्री साइट्स है, ठीक है, जहां पर रॉ मटेरियल्स मिला है, बिल्कुल सोर्स, यहाँ पर टूल्स बनते थे, बिल्कुल टूल्स एंड वेपन्स ये जो है प्रोड्यूस किए जाते थे, मैन्युफैक्चर किए जाते थे, कुछ में हैबिटेशन भी है और फैक्ट्री साइट्स भी हैं, कुछ साइट्स ऐसी और कुछ बिल्कुल ओपन एयर है ना, बिल्कुल ओपन एयर साइट्स, बिल्कुल है ना। यस मनप्रीत, रॉक पेंटिंग यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो, बिम्बेट का, यस बिम्बेट का, और होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है आदमगढ़, ये दो जो है इनिशियल फेज में पैलियोलिथिक साइट है। फिर देन बोडा पुष्कर, ठीक है, इट इज इन राजस्थान, नागार्जुनी कोंडा, अगेन मतलब ऐसा भी नहीं था ये जो पैलियोलिथिक पीपल थे दे वर ओनली रिसाइडिंग इन द शिवालिक रीजन, ये साउथ इंडिया में भी थे, रेनीगुंटा जो आंध्र प्रदेश में है, नागार्जुनी कोंडा, कुरनूल डिस्ट्रिक्ट, रिवर तुंगा भद्रा और रिवर कृष्णा के अराउंड में, ठीक है, एंड इवन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटो, बेलन वैली, बेलन वैली जो है मिर्जापुर के आसपास, ठीक है, यस मिर्जापुर, बाप रे बाप काफी फेमस नाम है यार मिर्जापुर, है ना, नई वेब सीरीज आने वाली है मिर्जापुर, 23 अक्टूबर को रिलीज होगी, है ना, क्यों भाई, है ना, काफी जोरों शोरों से प्रमोशन चल रहा है ना, ये चीज भैया वो वही मिर्जापुर है, ठीक है। तो ये मिर्जापुर जो है बिल्कुल यहाँ पर बेलन वैली, ये रिवर यहाँ पर है, तो उसी के अराउंड में भी इनके सेटलमेंट शुरू होते हैं, लेकिन लेटर फेज में, लेटर फेज में, अर्ली स्टोन एज मिर्जापुर, बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा बहुत हमको स्टोन मिलते हैं मिर्जापुर में, मिडिल पैलियोलिथिक एज नर्मदा एंड तुंगभद्रा इस रीजन में, और अपर पैलियोलिथिक एज बिल्कुल भैया बिम्बेट का, गुजरात, कर्नाटक यहाँ पर। अब सर एक सोचने वाली बात है कि सर आपने कहा कि स्टार्टिंग में कि शिवालिक्स में सबसे पहली बार एविडेंसेस कुछ मिले ह्यूमन बीइंग के, है ना, सेटलमेंट के, अर्लीस्ट सेटलमेंट के, लेकिन भैया ये क्या हुआ यहाँ पर, तो देखो अर्ली स्टोन एज जो है बेलन वैली में मिल रही है सर, वहां पर तो कुछ था ही नहीं। यस ऐसा हो सकता है कि ओके जो स्टोन टूल्स या जो भी चीजें उन्होंने वहां पर यूज की गई वो नहीं मिली, ठीक है, और पेरिश हो गई, ठीक है, ये पार्ट भी हो सकता है, या फ्लड्स आए होंगे तो फ्लड्स में बह गई होंगी, ठीक है, बट स्टिल वी गॉट द एविडेंसेस, स्टिल वी गॉट द एविडेंसेस दैट द सेटलमेंट वॉज डन इन द शिवालिक रीजन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। क्लाइमेट चेंज होता है 10,000 बीसी के अराउंड में, और बिल्कुल पेरियोलिथिक एज एक मीजोलिथिक एज में कन्वर्ट हो जाती है, ये बेसिकली ट्रांजिशन फेज है। क्या है भैया, इट इज अ ट्रांजिशन फेज, ठीक है, ट्रांजिशन फेज किस तरीके से बोलेंगे इसको, यहाँ पर जो टूल्स थे बिल्कुल वो मीजो हो गए यानी कि थोड़े से और छोटे हो गए, छोटे हो गए। जनरली इंडिया के अंदर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर अलग अलग टाइम फेज में, अलग अलग रीजन में, अलग अलग टाइम पर ये एजेस शुरू होती है, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में थोड़ा पहले शुरू हो जाती है, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल इंडिया में थोड़ा लेट शुरू होती है, वहीं साउथ इंडिया में जाएंगे तो और लेट शुरू होती है, ठीक है, पर यस एक एवरेज निकाल करके एक ईयर राउंड ये एस्टेब्लिश किया गया, दैट इज द 8000 BC, ठीक है। तो ये पार्ट भैया पैलियोलिथिक एज का ये हमारा पार्ट था, इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ, देखें जरा क्या है, नवासा, नवासा महाराष्ट्र, पर बेटा इट इज नॉट अ
नवासा एंड नव दतोली, ये जो नर्मदा रीजन में मिलती हैं, ठीक है, जॉर्विक कल्चर, दैट इज अ कैल्कोलिथिक, नॉट द मीजोलिथिक, पैलियोलिथिक चीज बेटा मनप्रीत, ठीक है। पीजो इलेक्ट्रिक इज एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, जब सम प्रेशर अप्लाइड होता है उसके ऊपर अनुराग, बिल्कुल सही बोला आपने। यस, माइक्रोलिथ्स, यहाँ पर छोटे छोटे बिल्कुल माइक्रो स्टोन टूल्स ये बनना शुरू हो गए, पॉइंटर्स अब बनना शुरू हो गए, ठीक है। ये सोहन वैली पंजाब, बिल्कुल बेटा सोहन वैली पंजाब लोअर पैलियोलिथिक एज को बिलोंग करती है, बिल्कुल सही, ठीक है। देखिए अब है विच ऑप्शनल पेपर, ओके रूपा गुड टू नो अबाउट, क्या हुआ भाई, अबे व्हाट हैपेंड, नो ऑलरेडी डन विद ग्रेजुएशन इन पीजी। अच्छा यहाँ पर कुछ पर्सनल टॉक चल रहा है। यस आई एम अटेस्टेड टू सर, टेस्ट टू सर फ्रॉम क्वालिटी क्लास। यस बेटा अब है ना, यस पेपर भी देखा होगा, काफी इजी आया था सेक्शन, है ना। यस हिस्ट्री फाइन, बिल्कुल हाँ बेटा बिल्कुल फाइन रोल। तो यहाँ पर हमारा मीजोलिथिक एज शुरू होता है, ये एक तरीके से ट्रांजिशनल फेज है। क्या है भैया, ट्रांजिशनल फेज है, वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में एक छोटा सा क्लाइमेट चेंज हुआ। आई थिंक यू ऑल गाइस हैव वॉच्ड दैट मूवी, 10,000 BC एक पिक्चर आया था, है ना, इस हॉलीवुड ने बनाया था। यस उस पिक्चर के एंड में आपने देखा होगा कि ये सारी चीजें एकदम से चेंज हो जाती हैं। यस बिल्कुल वैसा ही कुछ क्लाइमेट चेंज होता है, और यस बड़े बड़े जो मैमथ है, जो बड़े बड़े एनिमल्स थे, वो एक तरीके से एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और फिर छोटे छोटे एनिमल्स ये इवॉल्व होना शुरू होते हैं। बिल्कुल ह्यूमन बींग्स भी उसी तरीके से अपने आप को चेंज कर लेता है, प्रोड्यूसिंग टूल्स, बिल्कुल जो टेक्नोलॉजी होती है टूल्स बनाने की, वो भी थोड़ा सा प्रोफाउंडली चेंज होती है, ठीक है। अब क्या है, स्मॉल स्टोन टूल्स इनका यूज बढ़ जाता है इस रीजन में, हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज यहाँ पर, बिल्कुल ये भी अभी भी है, हंटिंग और गैदरिंग स्टेज ही है, लेकिन अभी क्या है, छोटा सा चेंज हुआ, हंटिंग बिग गेम्स यानी कि बड़े बड़े जानवरों को मारने से बचते हैं लोग, यानी कि यहां से शिफ्टिंग शुरू होती है, और अब हंटिंग शुरू होती है, फिशिंग, फॉलिंग, ये चीज, ठीक है। और यहाँ पर मीजोलिथिक बिल्कुल रॉक पेंटिंग्स ये भी शुरू कर देते हैं लोग बाग, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो सोशल गैदरिंग, यस ह्यूमन बींग जो है मीजोलिथिक एज में आते आते थोड़ा सा सोशल होना शुरू हो जाता है ना, सोशल, ठीक है, फ्रेंड्स बनना शुरू हो जाते हैं, कम्युनिटी लिविंग शुरू हो जाती है इस टाइम पर, ठीक है। यस माइक्रोलिथ पीरियड भी इसे कहा जाता है, टूल्स काफी स्मॉल साइज के हैं, यहाँ पर हमको मिलते हैं पॉइंटर्स, ट्राइंगल्स, ल्यूनेट्स, है ना, ट्रेपेजे, ये कुछ है, ब्लेड कोर्स, ये मिलते हैं हमको छोटे छोटे टूल्स। जनरल लाइफ सेम भैया, बिल्कुल हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है, बस यहाँ पर ये है कि यस दे कलेक्टेड मोर ओवर द रूट्स, ट्यूबर्स, फ्रूट्स एंड द हनी, बिल्कुल यहाँ पर रिसाइड करना ज्यादा शुरू कर देते हैं, मीन्स नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन कन्वर्जन शुरू हो जाता है। पेंटिंग्स इस एज का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, यस पेंटिंग जो है वो मीजोलिथिक एज का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि इस टाइम की कोई सोशल लाइफ को और इकोनॉमिक लाइफ को एक तरीके से डिफाइन भी करता है। सोशल लाइफ भैया ठीक है, पेंटिंग आर्ट फॉर्म है, आर्ट फॉर्म तभी शुरू होती है जब कल्चर डेवलप होता है ना। यस आर्ट इज बेसिकली एन एक्सप्रेशन ऑफ अ कल्चर, ओके ये चीज। तो भैया बिल्कुल चार लोग मिले, एक बिल्कुल एक कल्चर स्टैब्लिश हो गया, एंड दे स्टार्टेड मेकिंग द पेंटिंग्स, ठीक है। इस खाली गुफा में बैठे तो क्या करेंगे, हंटिंग पर तो कुछ और लोग गए हुए हैं, यहाँ पर चलो पेंटिंग ही बनाना शुरू कर देते हैं, है ना। ये पार्ट हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, बिल्कुल इस तरीके से देखो, ये पेंटिंग्स हमको मिले हैं भीमबेटका में, भीमबेटका में, यस भैया, हमको सिर्फ फाइंडिंग्स यहीं पर मिली है। हंटिंग एंड फूड गैदरिंग ये जो एक्टिविटीज है, ठीक है, जो एक्टिविटीज है ये रिफ्लेक्ट होती है इन पेंटिंग से, ठीक है। यस आप देखोगे इन पेंटिंग्स पर, यस हाथी के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, एंड ही इज हंटिंग अ गेम, ठीक है, ये छोटे जानवर का वो शिकार कर रहे हैं, या बिल्कुल किसी और एनिमल के ऊपर है, या फिर अ ग्रुप ऑफ मेन आर देयर, अ ग्रुप ऑफ मेन आर देयर, सोसाइटी बन गई भैया, ग्रुप ऑफ मेन आर देयर, सोसाइटी बन गई, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ये इंडिकेट करते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये कुछ मोर स्टेबल हो गई, ठीक है, पेरियोडिक टाइम्स यहाँ पर, ओके इस पार्ट पर। टूल्स मैंने जैसे कहा माइक्रोलिथ्स, ठीक है, साइज 1 to 8 सेंटीमीटर्स ये वेरी करते हैं, है ना, स्क्रैपर्स, बरेंस, चॉपर्स यहाँ पर भी हमको मिलते हैं। टूल्स के यूज देख लेते हैं भैया, ब्लेड किस काम में आता था, ठीक है, यस मोर शार्प द ऑर्डनरी ब्लेड से, ठीक है, काटने के लिए, पॉइंट्स, एरो स्लिट्स, स्पीयर हेड्स, मछली पकड़ने के लिए भैया, फिशिंग के लिए पॉइंटर्स का यूज ज्यादा किया जाता था, ठीक है, यस, और ट्राइंगल से पर्पस होता था एरो हेड्स को काटना, कोई भी टूल है उसको काटने के लिए ट्राइंगल की जरूरत होती है, बिल्कुल वो ट्राइंगल शेप में होता है ना, उसी के लिए, ठीक है। ल्यूनेट जो है कॉनकेव कटिंग एज, कॉनकेव,
वो देखा आपने, तो जिसे वो खेतों में काम करते हैं ना, उसे काटते हैं, ऐसा का टाइप का एक टूल होता है, लाइक दिस, फरसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, इस टाइप का एक टूल होता है ना, ये चीज जिससे खेतों में वो कटाई की जाती है ना, ये चीज को ल्यूनेट कहा जाता है। ऑलराइट, ये पार्ट, ठीक है। बंगाल डेल्टा, शिलोंग प्लेटो, बागौर, बागौर, आदमगढ़, ये सबसे प्रोमिनेंट साइट्स है मीजोलिथिक की, ठीक है। यहाँ पर हमको डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप एंड गोट के भी अर्लीस्ट एविडेंसेस 6th मिलेनियम BC से, यानी कि 7000 BC पीरियड से मिलना शुरू हो जाते हैं। सजेशन सजेस्ट करते हैं कि सेटलमेंट शुरू हो गया है ना। ये चीज देखो, पेलियोलिथिक के साइट्स कितने कम थे, लेकिन यहाँ पर मीजोलिथिक के सेटलमेंट्स देखो, यस, थोड़े थोड़े डेंस होना शुरू हो गए, स्पेशली द बिलान वैली, बिल्कुल स्पेशली द बिलान वैली, ठीक है। और यही साइट्स ट्रांसफॉर्म हुए बाद में नियोलिथिक एज में, यस, नियोलिथिक एज में। साइट्स लाइक भीमबेटका एंड आदमगढ़, ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट साइट्स हैं, मीजोलिथिक साइट्स हैं। अब देखो भाई, साइट्स का नाम मतलब ये इंपॉर्टेंस क्या है, इन साइट्स का इंपॉर्टेंस सिर्फ इतना है, खासकर हिस्ट्री ऑप्शन वालों के लिए। भैया जो पेपर वन में पहला क्वेश्चन होता है ना, मैप वाला जो आता है लिखने के लिए, वो क्वेश्चन ऐसे ही आता है ना, यस, मार्क्स होते हैं मैप के ऊपर और नंबर्स पे वो जो लिखे होते हैं कि आपको अब आइडेंटिफाई करना है कोई भी एक नियोलिथिक साइट, मीजोलिथिक साइट, पेलियोलिथिक साइट, कोई हिस्टोरिकल सिटी है ना, इस तरीके से। तो उस पर आपको कुछ वर्ड्स लिखने हैं, है ना, बिल्कुल, बहुत आसान क्वेश्चन होता है वो भैया, अगर किसी ने भी हिस्ट्री थोड़ी सी भी ढंग से पढ़ी है ना, वो सूखे नंबर है, बिल्कुल मैप बेस्ड क्वेश्चन है, सूखे मार्क्स है वो हिस्ट्री के अंदर। लोग बोलते हैं हिस्ट्री स्कोरिंग नहीं होता, बल्कि उसमें से कोई बच्चा चाहे तो पहले क्वेश्चन में से पूरे नंबर ला सकता है, बिल्कुल भैया, बिल्कुल, ठीक है, पूरे में से पूरे नंबर उसे मिल सकते हैं, मीन्स 50 out of 50, यस माय डियर फ्रेंड्स, 50 out of 50। राजस्थान में ये देखो मीजोलिथिक साइट्स हैं, ये राजस्थान में बागौर है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट साइट है। गुजरात की हम बात करें तो लगनगंज, ठीक है, यस, अखज, वलसाना, हीरपुर, ठीक है, साबरमती रिवर के किनारे पर। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो सराय, नाहर राय, ये चीज, चोपानी मांडो, चोपानी मांडो जो है ये पहला ऐसा प्लेस है जहां पर हमको पॉटरीज के एविडेंसेस मिलते हैं, यस, द फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर वी फाउंड द एविडेंस ऑफ पॉटरीज, ठीक है। यही उत्तर प्रदेश में इसके बगल में एक और जगह है, कोल्डी हवा, न्यूलिथिक साइट में आएगी, ठीक है, वहां पर पहला एविडेंस मिलता है राइस प्रोडक्शन का, राइस कल्टीवेशन का, ओके। भीमबेट का, आदमगढ़, ये तो खैर वर्ल्ड फेमस ही है दोनों, है ना, मध्य प्रदेश में है, धुलिया डिस्ट्रिक्ट एंड अन्नपूर्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ इन महाराष्ट्र, डेक्कन प्लेटो में, ठीक है, कुरनूल एंड रेनीगुंटा, नागार्जुनी कोंडा जो है बिल्कुल कृष्णा रिवर के किनारे पर, है ना, ये आंध्र प्रदेश में है, मयूरभंज, मयूरभंज जो है छोटा नागपुर प्लेटो उड़ीसा में आता है, क्योंझार एंड सुंदरगढ़, ये भी उड़ीसा में है ना, ये पार्ट, ओके, रिवर दामोदर वेस्ट बंगाल में, बिलभानपुर, है ना, तो ये कुछ मीजोलिथिक सेटलमेंट्स है, प्रोमिनेंट वन, ठीक है, प्रोमिनेंट वन। जब हम लोग मैप में क्वेश्चन देखेंगे ना, ये बिल्कुल डाला मैंने इसीलिए है, जीएस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पार्ट, जितना पार्ट ऑप्शनल पेपर वन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए मैंने ये एक चार्ट यहाँ पे बना के डाला है, ठीक है, आपको पीडीएफ जब मिल जाएंगी तो इससे आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मीजोलिथिक एज खत्म होता है, अब शुरू होती है मेन कहानी, यस, अभी तक तो ये था कि ह्यूमन बींग का इवोल्यूशन हुआ, वो हंटर गैदरर था, स्टोन्स के इम्प्लीमेंट यूज करता था, हालांकि स्टोन के इम्प्लीमेंट तो यहाँ पर भी यूज होते थे, लेकिन जो एडवांस फीचर थे, बिल्कुल धीरे 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 डेवलपमेंट शुरू हुआ, ह्यूमन बींग का सेटल्ड एक लाइफ लीड करना शुरू किया, ठीक है, तो ये चीजें यहां से शुरू हुई न्यूलिथिक एज से, ठीक है, कहां से शुरू हुई भैया, न्यूलिथिक एज से, न्यू स्टोन एज से। न्यूलिथिक एज से जो चीज शुरू हुई वो कल्मिनेशन पर पहुंची, अपने जेनिथ पर पहुंची इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो ये सिविलाइजेशन फ्लरिश किया था इंडिया में, वो पूरे इंडिया में नहीं था मेरे भाई, ठीक है, वो सिर्फ इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में था। इसके कंटिन्यूशन में आती है कॉपर एज, दैट इज द चेल्कोलिथिक एज, और फिर कॉपर एज के बाद में बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं, स्पेशली साउथ इंडिया, जहां पर नियोलिथिक से सीधा आयरन एज चला गया, बीच में ट्रांजिशन कॉपर एज तो आया ही नहीं, बिल्कुल मेगालिथ्स, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बने और आयरन का यूज शुरू हो गया, है ना, ये चीज, ओके। तो ये हम स्टार्ट करते हैं यहां से, न्यूलिथिक एज से। तो थोड़ा सा देखें जरा क्या डाउट पूछ रहे हैं बच्चे, फाइन टूल्स, पॉलिश टूल्स, यस बेटा बिल्कुल, न्यूलिथिक एज में ये चीजें शुरू हो गई। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा सुरजीत, एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक चैनल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो फिर अनअकैडमी _अमित मोदी, उसको सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल है अनअकैडमी का, वहां से आपको मिल जाएगा। वेल,
पीडीएफ मिल जाएगा आपको उसी चैनल पर क्लास खत्म होते ही। सर डिड दीज पेंटिंग्स रिफ्लेक्ट अ सॉर्ट ऑफ प्लानिंग फॉर हंटिंग? यस बेटा बिल्कुल शक्ति, यस प्लानिंग फॉर हंटिंग बिल्कुल ठीक है। यस एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये इस तरीके से किसी को मतलब कोई भी एनिमल है उसको हंट करने के लिए एक गेम प्लान बनाया जाता था। ठीक है वी कैन से दैट दिस थिंग ठीक है कि भैया हम इस तरीके से उसको हंट करेंगे उसको मारेंगे। ठीक है ये चीज पॉलिटी क्लास किस टाइम होती है सर प्लीज इन्फॉर्म मी। 10:30 PM ऑन अन अकेडमी ऐप बेटा नेहा, 10:30 PM डेली ऑन अन अकेडमी ऐप। वेल पिलिथिक पार्ट इज डन। हाँ बेटा रेल है बिल्कुल है भी नहीं उसके अंदर ज्यादा प्रोमिनेंट भी नहीं है, मेन अब शुरू होता है दैट इज द न्योलिथिक एज। यस एक्सटेंडेड बरियल फोल्डेड बरियल्स फ्रैक्शन बरियल्स डबल बरियल। यस बेटा मनप्रीत, यस आई थिंक मनप्रीत आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है ना, जिस तरीके से आप ये क्वेश्चंस लिख रहे हो इट सीम्स दैट योर ऑप्शनल इज हिस्ट्री है ना। सर द वे यू टीच इज अनमैच। थैंक यू वेरी मच अभय, थैंक यू वेरी मच। एंड भैया बच्चों का बेनिफिट होना चाहिए बस, मेरा तो और कुछ भी पर्पज नहीं है। थैंक यू। हाँ बेटा थैंक यू शिवांश। बिल्कुल पॉलिटी का क्लास तो बिल्कुल बेटा पूरा ऐसा हो जाएगा आपका इंडियन पॉलिटी, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कैसा भी आ जाए नहीं छूटेगा है ना। ये चीज रिया बेटा अन अकेडमी अंडरस्कोर अमित मोदी, ये है टेलीग्राम चैनल आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके ये चीज है ना। बिल्कुल ठीक है ये पार्ट तो आप देखते हैं भैया नियोलिथिक एज। नियो नियो का मतलब होता है न्यू, ठीक है इसका मतलब होता है न्यू, और लिथिक का मैंने आपको बताई दिया मतलब ये होता है स्टोन। ठीक है तो न्यू स्टोन एज ये शुरू होती है। ठीक है ये चीज। अब न्यूलिथिक एज की जो शुरुआत है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये भी अलग अलग टाइम पीरियड पर है भैया। सो हमको एविडेंस जो है 7000 BC में क्वेटा वैली में मिल जाते हैं। अब क्वेटा वैली कहाँ है? बलूचिस्तान, सुने हो नाम बलूचिस्तान है ना। यस ये पाकिस्तान का वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है ना। बिल्कुल इंडिपेंडेंट रीजन बनने के लिए लड़ाई झगड़े होते रहते हैं यहाँ पर खूब होते हैं है ना। ये चीज यहाँ पर है क्वेटा वैली, और यहीं पर बना है एक प्लेस जिसका नाम है मेहरगढ़। यहाँ पर हमको पहला एविडेंस मिलता है ऑफ कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड बार्ले, वो 7000 BC का डेट जाता है। बिल्कुल अब देखो 8000 BC में मीजोलिथिक एज स्टार्ट होती है और 7000 BC में हमको मिल गया ये, यानी कि जस्ट 1000 साल के अंदर, 1000 ईयर्स के अंदर। और वहीं पर जब हम सेंट्रल एशिया में सेंट्रल इंडिया में आते हैं या फिर हम लोग पहुंचते हैं बेलन वैली, तब हमको यही चीज लगभग लगभग 3000 4000 to 3000 BC पीरियड की डेटिंग आती है। ठीक है तो यस इट शोज कि जो ह्यूमन बींग्स थे वो एक जगह पर नहीं थे, बिल्कुल वो ट्रांसफॉर्मर वो भी आगे शिफ्ट होते चले गए। क्वेटा वैली से थे वहां पर उनका जो क्लाइमेट चेंज हुआ, एग्रीकल्चर की जो लैंड थी वो कंड्यूसिव नहीं थी, दे शिफ्टेड shifted eastwards. They went to the, they settled in the central part of India, or they again shifted to the southern part of the India. ठीक है? और वहाँ पर उन्होंने अपना settlements बनाना शुरू किया। ठीक है? Yes. Stone था. Stone से आप कितना till कीजिएगा? ठीक है? Land को एक certain limit तक, ठीक है? Certain limit तक, लेकिन soil की fertility बहुत ज्यादा थी, फर्टिलिटी बहुत ज्यादा थी, और रिवर वैलीज में तो खास करके, क्यों? ज्योग्राफी में पढ़ा है ना, रिवर वैलीज में कौन सा एल्यूवियम आता है? न्यू एल्यूवियम दैट वी कॉल एज द खादर, और वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है, मिनरल रिच होता है, इसीलिए फर्टाइल होता है। होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होना शुरू हुआ। अब सोचने की बात यह है सर सीड्स कहाँ से आए? सर सॉइल तो था, इरिगेशन भी था, सब कुछ था, सीड्स कहाँ से आए? तो भैया सीड्स जो है सीड्स आए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एशिया, एशिया सदर्न पार्ट ऑफ रशिया और द अफ्रीका, यहाँ से सीड्स आना शुरू हुए, प्लस जो और भी ट्रीज थे। ठीक है यस भैया लाइफ का इवोल्यूशन था, बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से ट्रीज फ्रूट्स ये सब इवॉल्व हुए, और ये सीड्स जो है वहां से इन रीजन में स्प्रेड होना शुरू हुए, स्प्रेड होना शुरू हुए अलॉन्ग विद द स्प्रेड ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ठीक है तो यस मिस्टर सर जॉन ल्यूबॉक, ये है पहले पर्सन, प्री हिस्टोरिक टाइम्स नाम की किताब लिखी थी 1865 में, उसमें टर्म यूज किया न्योलिथिक पहली बार इन्होंने। ठीक है और इंडिया के अंदर मिस्टर गॉर्डन चिल्ड, इन्होंने कहा कि ये जो न्योलिथिक ये सेल्फ सफिशियंट फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी थी। भैया ये स्टेटमेंट बाहर आते ही ओहो भैया नेशनल मूवमेंट को बड़ा अच्छा इंपैक्ट मिला, वो बोले यार हम लोग सेल्फ सफिशियंट थे है ना, हर चीज में हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है, ब्रिटिशर्स के आने के कारण जो है हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। यस नेशनल मूवमेंट को इम्पेटस मिला। हम लोग लौट के आते हैं न्यूलिथिक फेज में। ड्यूरिंग दिस फेज ह्यूमन स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड, बिल्कुल कल्टिवेटिंग क्रॉप्स लाइक बार्ले व्हीट राइस है
ना, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट, बार्ले, वीट, राइस, ये चीजें। मिल्क एंड मीट का सप्लाईज भी होता था, क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ मिल्क कैटल्स भी थे जिनको डोमेस्टिकेट किया गया था, बफेलोस, है ना, यस, गोट्स, शीप्स, ठीक है, यस, वेरियस टाइप ऑफ लेबर्स आर देयर, इन चीजों को हार्नेस करने के लिए टूल्स थे, यस, न्यू स्टोन टूल्स ये यूज किए गए, मटेरियल वही था कॉर्डेट, पर साथ ही साथ में और मटेरियल्स भी आना शुरू हो गए। इस पूरी की पूरी एज का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ये, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स लाइक डॉग्स, गोट एंड शीप, डॉग ये हमको बुर्जहोम से मिले एविडेंस, बुर्जहोम, गुफ क्राल, है ना, ये सब कश्मीर में है। यहाँ पर ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग टूल्स बिल्कुल, और ज्यादा पॉइंटेड टूल्स, पॉटरी का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाता है। क्यों पॉटरी का, क्यों भैया? भैया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्टार्ट कर दिया, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, वीट ग्रो किया, स्टोर कहाँ करेंगे, तो उसके लिए बर्तन चाहिए ना, पॉट्स, पॉटरीज बनाना चालू करती है, यस, दे स्टार्टेड मेकिंग द पॉटरीज। भैया फार्म लैंड है, ठीक है, यहाँ पर कुछ कल्टिवेटेड है, इसकी प्रोटेक्शन भी करनी है फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, तो एक छोटा सा घर बना लिया यहाँ पर, ठीक है, यस, विलेज कम्युनिटीज शुरू हो गई। क्या एक से कुछ नहीं होगा, दो घर बन गए, तीन घर बन गए, सेटल्ड लाइफ शुरू हो गई, सेटलमेंट शुरू हो गया, ग्रुप्स में रिसाइड करना शुरू कर दिया, बड़ा लैंड था इसको हार्नेस करना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, कम्युनिटी बेस्ड सीडेंट्री लाइफ यानी कि सेटलमेंट शुरू हो गए, यही छोटे छोटे हेमलेट्स विलेजेस में कन्वर्ट हो गए, विलेजेस से टाउन, सिटीज एंड अर्बन सेंटर्स, ठीक है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का शुरुआत था ये, दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर, ठीक है, यस, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये शुरू हुआ, यहाँ पर देख सकते हो आप, दीज आर द न्यूलिथिक साइट्स, गुड होम, ठीक है, यस, किलीगुल, मोहम्मद, क्वेटा, मेहरगढ़, ये रही मेहरगढ़, ठीक है, यस, और साउथ इंडिया में, ठीक है, अलॉन्ग द रिवर गोदावरी एंड कृष्णा, यहाँ पर स्पेशली द कृष्णा रिवर वैली, ओके, ये पार्ट बिलन रिवर वैली में, यहाँ पर है मिर्जा, मिर्जापुर एंड कोल्डी हवा, चोपानी, मांडो, ये चीज है, ठीक है, यस, यहाँ पर, ठीक है, यस, सब कॉन्टिनेंट जोग्राफिकल रीजन में डिवाइड किया गया। मेहरगढ़ में पहला कल्टीवेशन मिलता है, ये मैंने आपको बता ही दिया, 7000 BC पीरियड में, नॉर्दर्न रीजन में, यस, यहाँ पर नॉर्दर्न रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज देखी गई है वो देखी गई है पिट ड्वेलिंग। सर पिट ड्वेलिंग क्यों, गड्ढे में क्यों रहते थे वो? भैया हिमाचल, हिमालय का पार्ट है ना, ठंडा प्रदेश है ना, कोल्ड ज्यादा है, तो बचने के लिए गड्ढों में रहा जाता था। इग्लू, इग्लू नाम सुना ना, इग्लू का, इग्लू, इग्लू बना के रहते ना, बर्फ का घर, है ना, क्यों? उसके अंदर का टेम्परेचर जो है बिल्कुल वो कम रहता था, जिन्होंने गड्ढा खोदा, पिट ड्वेलिंग, यस, दीज नॉर्दर्न रीजन पीपल ऑफ द कश्मीर रीजन दे प्रैक्टिस्ड पिट ड्वेलिंग, और पिट ड्वेलिंग का जो एविडेंस है पूरे इंडिया में वो सिर्फ हमको कश्मीर से मिलता है, बुर्जोहोम एंड गुफक्राल, ये दो साइड। अब देखो क्वेश्चन आ गया, अन्योलिथिक साइट इन नॉर्थ इन द कश्मीर रीजन, ठीक है, यस, बुर्जोहोम या गुफक्राल के बारे में लिख दो तीस वर्ड, ठीक है, यस, इट इज अ साइट, इट इज अ न्योलिथिक साइट सिचुएटेड इन द शिवा इन द कश्मीर वैली, है ना, एंड अ पिट ड्वेलिंग हैज बीन प्रैक्टिस्ड ओवर देयर। गुफ क्राल से तो हमको डॉग्स के बरियल भी मिल गए, यस, बिल्कुल, कुत्ते की हड्डियां भी मिली हमको यहाँ से, कुकुर की, है, यस, डॉग बरियल्स वी हैव फाउंड, भैया वो अपने साथ में इनको भी डम करते थे। साउथ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो भैया बेलन वैली, यस, चोपानी मांडो, कोल्डी हवा, महागड़ा, कोल्डी हवा में राइस का कल्टीवेशन पहली बार, चोपानी मांडो में पहली बार पॉटरीज बनाना शुरू किए, यस, ये फर्स्ट एविडेंस हमको यहाँ से मिलता है। डोमेस्टिकेशन ऑफ राइस, ओराइजा सताइवा, यस, ये सबसे मेन स्पीशी है राइस की जो आज भी कल्टीवेट की जाती है भाई, भाई लोगों, यस, कैटल्स में, शीप्स, गोट, इन सब के डोमेस्टिकेशन शुरू हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्यों, क्योंकि ये सबसे फर्टाइल प्लेन है, सबसे फर्टाइल पार्ट है यहाँ पर। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पॉटरी फॉर्म्स, यस, फ्रॉम चुपानी मांडो, ये मिलता है हमको, ठीक है। पोर्टेबल साइज फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, यहाँ पे क्वेंस, मिलर्स, ये भी मिलते हैं। क्वेंस मीन्स चान, वीट को चान करने के लिए, उसको अलग करने के लिए बालियों में से, है ना, ये चीजें मिलती हैं। चीजल्स, सेल्ट्स, एडजेस, ये स्पेशलाइज्ड टूल्स, कल्टीवेशन ऑफ राइस, डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल, शीप, गोट एंड हॉर्सेस, ये सब हमको मिलते हैं। हॉर्सेस, यस, ये हॉर्सेस के भी एविडेंस हमको यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट, नाउ इट इज समथिंग मिस्ट्री, मिस्टीरियस है कि हॉर्स के एविडेंस, ठीक है, यहाँ पर ये हो सकता है कि ये हॉर्स ना हो बल्कि म्यूल हो, क्योंकि यहाँ पर एक बोन मिली है, ठीक है, एक बोन मिला है, तो बिल्कुल म्यूल का भी जो तो पैर का हड्डी होता है ना, वो भी हॉर्स के पैर के हड्डी की तरह होता है, ठीक है। तो ये चीज, तो इससे मिस इंटरप्रेट किया गया, किसी किसी बुक में लिख दिया गया है, ठीक है। तो इट कैन बी सेड
यहाँ पर हमको म्यूल के एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है, दिस इज बिलान वैली में अर्लीस्ट राइस फार्मिंग कम्युनिटी ये इंडिया के अंदर इमर्ज होती है, डेवलप होती है। फिर उसके बाद तो भैया बाढ़ आ गई, बिल्कुल बिहार, मिड गंगा वैली, चिरांड, यस इट इज अ प्लेस इन इट इज अ प्लेस इन बिहार, ठीक है, सेनुवर, ठीक है, सेनुवर ये भी एक प्लेस है, यहाँ पर हमको पॉटरी, माइक्रोलिथ्स ये सब चीजें मिली है, स्टोन, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, टेराकोटा, ह्यूमन फिगरेंस, बोन टूल्स, बीट्स। तो हम लोग इन चीजों के बेस पर ये नहीं कह सकते कि इंडिया के अंदर सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसी प्लेस थी कि जहां पर हमको ये सारी चीजें मिलती है, ठीक है, यस अदर प्लेसेस वर देयर। नाउ अगर हम डेट्स की बात करें तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेच्योर फेज के अराउंड मैच करती है, तो ये भी कहा जा सकता है कि कुछ इंडस वैली पीपल थे जो अपने उस रीजन में जो सेटिस्फाइड नहीं थे एंड दे शिफ्टेड ईस्टवर्ड्स एंड दे सेटल्ड डाउन इन दीज रीजन्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और अपने साथ वो ये सारी चीजें लेकर के आए थे, ये सब टेक्नोलॉजी वो अपने साथ लेकर के आए थे और तब इन्होंने ये चीजें बनाना चालू करी। यस वी कैन से दिस थिंग, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ओके इस पार्ट पे, ठीक है। वीट, बार्ले, राइस, लेंटिल, लेंटिल यानी कि इसको बोलते हैं मसूर, मसूर की दाल है ना, लेंटिल, इसके भी हमको यहाँ पर कल्टीवेशन के एविडेंसेस मिलते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ईस्टर्न इंडिया में भी असम रीजन, ये थोड़ा सा और लेट फेज में है, यस, जब आर्यनाइजेशन हो गया नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का, नॉर्दर्न इंडिया का, तब उस टाइम पर हमको इन रीजन्स में न्यूलिथिक कल्चर इमर्ज होते हुए दिखाई देता है, स्पेशली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, असम एंड द उड़ीसा रीजन। ओके ये पार्ट, तो ये इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल डेटेड है, ठीक है, क्लब कर दिया है बिकॉज इट इज अ न्यूलिथिक एज, एक साथ मिला दिया गया है बिकॉज इट इज अ न्यूलिथिक एज। एक बात और हमेशा ध्यान रखना कि इस टाइम पर जितने भी डेवलपमेंट्स हुए, इवन कल्चर या कोई भी चीज अब सिविलाइज होती है या कोई भी डेवलपमेंट होता है नया, तो वो एक रीजन स्पेसिफिक होता है, वो पूरा पैन इंडिया नहीं होता, ठीक है, आज भी नहीं है ये चीज, वो धीरे धीरे स्प्रेड करता है, फिर क्या करता है, स्प्रेड करता है, आगे बढ़ता है, ठीक है, ये चीज बाय द पीपल, ठीक है, ये चीज। वेल साउथ इंडिया में भी न्यूलिथिक कल्चर हमको भीमा कृष्णा तुंगभद्रा रिवर्स में देखने को मिलता है, कावेरी रिवर्स में देखने को मिलता है, यहाँ पर न्यूलिथिक बिल्कुल सेटल्ड लाइफ, यहाँ पर न्योलिथिक का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों, यहाँ पर मतलब हुआ सेटल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर, यहाँ पर भी देखो ये रीजन आज भी राइस डोमिनेटेड रीजन है, राइस कल्टीवेशन सबसे ज्यादा होता है इस रीजन में आज भी है, ठीक है, इट वॉज स्टार्टेड ओवर हियर। यहाँ पर तमिलनाडु का ये कावेरी रिवर का रीजन है, यस दिस इज अ नाडू रीजन, नाडू एक तमिल वर्ड है, इसका मतलब होता है प्लेन एरिया, ठीक है, इज अ तमिल प्लेन, यहाँ पर भी जो है कल्टीवेशन होता है, ठीक है, यस। अगर हम आंध्र की बात करें तो नागार्जुनिकोंडा ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट साइट है, पीएमपली, पीएमपली जो है ये बिल्कुल चेन्नई के पास में है, ये पीएमपली, ठीक है, ये पार्ट, ठीक है, ये चीज कर्नाटका में सगनकल्लू, मास्की है ना, ब्रह्मगिरी, ये साइट्स, दीज आर द साइट्स, ओके ये साइट्स। तो जो ऑप्शनल वाले बच्चे हैं ना उनको ये साइट्स ध्यान रखना जरूरी है मेरे भाइयों, ठीक है, क्योंकि मैप वाला जो क्वेश्चन है ना वो यहीं से आता है, आप इजिली बना लोगे, बिल्कुल सूखे नंबर है ये, इससे फुल लेंथ क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, बिल्कुल कभी नहीं आएगा, मैप में ही ये चीजें पूछी जाएंगी बस, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये पार्ट। अब आती है चेल्कोलिथिक एज, चेल्को मींस कॉपर, ध्यान रखना पहला मेटल जो ह्यूमन बीइंग ने यूज किया दैट वाज द कॉपर, ठीक है, सेकेंड मिलेनियम बीसी यानी कि 3000 BC के अराउंड ये चीजें शुरू हुई, ठीक है, यस रीजनल कल्चर्स डेवलप हुए, क्या डेवलप हुए भैया यहाँ पर, रीजनल कल्चर्स, ठीक है, एक साथ पैन इंडिया में ऐसी चीजें शुरू नहीं हुई, धीरे 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 ग्रेजुअली ये चीजें इमर्ज हुई, कुछ जगह तो ऐसी थी जहां पर चेल्कोलिथिक को कैरी ऑन किया आगे, ठीक है, लेकर एडवांस फेज में चले गए, दैट वी कॉल्ड एज द हरप्पन सिविलाइजेशन, कुछ चेल्कोलिथिक साइट्स प्री हरप्पन साइट्स भी है, कुछ चेल्कोलिथिक साइट्स प्री हरप्पन साइट्स भी है, ठीक है ये चीज। ओके ये पार्ट फॉर इकोनॉमी रीड एनसीईआरटी, सॉरी भाई क्या कुछ नया चल रहा है, यस अब है, आपने सही बोला, प्लीज सजेस्ट मी सम बेसिक बुक्स फॉर इकोनॉमिक्स, एनसीईआरटीज आर द गुड बुक्स, यस इट इज अ बोटानिकल नेम ऑफ राइस, राइजा सटाइवा, बिल्कुल यस बेटा ना स्पीशी का नाम है ये, यस गाइस एंशियंट हिस्ट्री कौन सी बुक सही रहेगी, इन आर एस शर्मा, बिल्कुल मनप्रीत बहुत अच्छी किताब है ये, है ना, ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा, या जो भी आर एस शर्मा जो बुक आ रही है मार्केट में अवेलेबल है वो सेम है बेटा शिवानी, है ना, अगर पुरानी एनसीईआरटी नहीं मिलती है तो ये आर एस शर्मा ले सकते हो, सेम बुक है,
है ना, करंट रिलेटेड इको टॉपिक सर, व्हाट इज द टाइम ऑफ द क्लासेस सर, 9 o'clock बेटा श्रेया, एवरीडे 9 o'clock, ओके सर, बिल्कुल पूछे शिवांश, क्या क्वेश्चन है आपका, पूछो भाई। एंड है ना, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन क्लास कब है सर? बेटा आदित्य, आई डोंट नो बेटा, है ना, वो आपको देखना पड़ेगा आदित्य, है ना, इसके बारे में हमको आइडिया नहीं है। आप यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल करके एक चैनल है अनअकैडमी का, आप उस पर देख सकते हो, उस पर अगर होगी मिल जाएगी आपको, है ना भाई। शिवांश क्या क्वेश्चन है भाई, पूछो फटाफट से। कैलकुलेटिव एज, है ना, कैलकुलेटिव एज जो है ये डिस्टिंक्ट फीचर है, डिस्टिंक्ट कल्चर है यहाँ पर भैया। पॉटरीज का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुका था, है ना, पॉटरीज का। शिवांश देखो, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ये मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है बेटा, तो मैं इसके बारे में आपको बुक नहीं बता पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट शिवांश। ठीक है, मेरे जो ऑप्शनल है वो हिस्ट्री ज्योग्राफी थे, ठीक है, और साथ ही साथ में मैंने मैथ्स भी रखा था, तो इसके लिए सब पूछना चाहो तो मैं बता दूंगा, है ना ये चीज। वेलकम वेलकम बेटा, ओके नाउ, पॉटरीज का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो ही चुका था, ठीक है, यहाँ पर जो है पेंटेड पॉटरी, यस, रेड एंड ब्लैक, ब्लैक ऑन रेड, पहले लाल रंग का पॉटरी बनाया, मीन्स टेराकोटा, बिल्कुल क्ले वही होता है, ठीक है, और उसके ऊपर ब्लैक कलर पेंट कर दिया, तो ब्लैक ऑन रेड या ब्लैक एंड रेड पॉटरी ये बनना शुरू हुई, ठीक है। यहाँ पर ब्लेड इंडस्ट्री जो है ये स्टैब्लिश होना शुरू हो गई, हाईली स्पेशलाइज हाईली प्रिसाइज ब्लेड इंडस्ट्री, और वो भी स्टोन की, ठीक है, प्लस कॉपर डक्टाइल मटेरियल होता है ना, ये डक्टाइल होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट भी होता है, तो कॉपर को उन्होंने एज अ मेटल यूज करना शुरू किया, और ये जो मेटल था पहली बार नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में यूज हुआ, स्पेशली दे गॉट कॉपर फ्रॉम, दे गॉट कॉपर, सॉरी, दे गॉट कॉपर फ्रॉम खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान, ठीक है, और उसके बाद में मलाजखंड से मिला, मलाजखंड बालाघाट में है मध्य प्रदेश में, है ना, यहां से कॉपर का मेन सप्लाई हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे जो साइट्स डेवलप हुई ये सब कॉपर टूल मैन्युफैक्चरिंग साइट्स थी, यहां से ट्रेड शुरू हो गया, बिल्कुल भैया दूसरी जगह पर ये लोग जाते थे बार्टर सिस्टम का लेकर के, वहां से व्हीट या राइस या कुछ और गुड्स परचेज कर लाते थे उतना कॉपर दे करके, है ना, तो ये ट्रेडिंग एक्टिविटी शुरू हो गई, धीरे 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 ये मैन्युफैक्चरिंग साइट्स में कन्वर्ट हो गए, और एक डिस्टिंक्ट कल्चर जो है ये इवॉल्व हुआ, ठीक है। यहाँ पर लिमिटेड यूज ऑफ कॉपर, ठीक है, खारीफ एंड रबी क्रॉप, बिल्कुल ये दोनों क्रॉप को ग्रो करना शुरू कर दिया गया, मींस समर क्रॉप एंड द विंटर क्रॉप। खारीफ और रबी जो ये वर्ड है, ये वर्ड तो मुस्लिम्स ने दिया, ठीक है, लेकिन उसके पहले समर क्रॉप और विंटर क्रॉप ये चलता था, ठीक है। रिलीजियस बिलीफ एक तरीके से डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, बरियल प्रैक्टिस शुरू हो गई, यस, लाइफ आफ्टर डेथ, ऐसा कोई सिस्टम था, ऐसा लोग मानते थे, तो इसीलिए हमको जितने भी माउंट्स मिले हैं, बरियल्स माउंट्स मिले हैं, ठीक है, उसके अंदर हमको ढेर सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, लाइव एनिमल्स मिले हैं, पॉट्स मिले हैं, है ना, वहां पर हमको ऑर्नामेंट्स मिले हैं, ज्वेल्स मिले हैं, है ना, यस, गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, गोल्ड मिला है, सिल्वर मिला है, बहुत सारी चीजें मिली हैं, तो ये मानते थे कि यस आफ्टर द डेथ देयर इज अ लाइफ, ठीक है, तो ये चीज, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो कुछ रिलीजियस बिलीव्स भी थे, है ना, ये पार्ट। सर्कुलर हाउसेस बनना शुरू हो गए, मड वैटल और ड्वार्फ के, देखे होंगे आज भी बनते हैं बेटा गांव में, जो पुराने गांव है ना बिहार के और वेस्ट बंगाल के एकदम इंटीरियर में, यूपी में, वहां पर भी आप देखोगे ऐसा एक छोटा सा घर है, और उसके ऊपर कॉनिकल शेप का एक बैफल से ये घर बना हुआ है ना, इस तरह के घर आज भी मिलते हैं हमको, कुछ सर्कुलर भी होते हैं, कुछ रेक्टेंगुलर भी होते हैं, ठीक है। ये चीज बर्न ब्रिक के बारे में वो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते थे, बिल्कुल भी नहीं जानते थे। बर्न ब्रिक का जो एवोल्यूशन था ये हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन में, क्यों हुआ, क्योंकि ये जितनी भी सिटीज थे ये सब रिवर्स के किनारे पर बने, ठीक है, मट्टी की बनाई या मड की ब्रिक बनी, सन ड्राइड करी, मेल्ट हो गई, ठीक है, इन्होंने कहा इसको इसको पका देते हैं, आग में डाल देते हैं, ये और हार्ड हो गई, पानी का कोई असर नहीं इसके ऊपर, तो बर्न ब्रिक का इस तरीके से इन्वेंशन हुआ, ठीक है, इन्वेंशन हुआ और इसका यूज होना शुरू हो गया, स्टैंडर्ड साइज में बनाना शुरू हो गया, तो वो फिर इंडस वैली में यूज हुआ, ठीक है। फिर जब इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई, तो वहां से कुछ लोग इसी टेक्निक दूसरी जगह पर भी ले गए, है ना, ये चीज। द रूरल कम्युनिटीज दे स्प्रेड ओवर द वाइड एरिया ऑफ द कंट्री, ठीक है, जहां पर हिली लैंड है, रिवर्स आर अवेलेबल उन जगह पर,
क्रोनोलॉजिकली देखें तो जो चेल्थोलिथिक सेटलमेंट्स है वो कुछ प्री हड़प्पन साइट्स में, मैंने बता ही दिया आपको, और कुछ पोस्ट हड़प्पन साइट्स हैं। पोस्ट हड़प्पन मीन्स नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, यहाँ पर तो हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश कर गई, लेकिन जो ये रीजन थे, ये जो रीजन थे, ये सब पोस्ट हड़प्पन साइट में डेवलप हुए, और जैसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गई, सब आयरन एज में कन्वर्ट हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए। ठीक है, इस प्री हड़प्पन सेल्टोलिथिक साइट जितने भी थे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो है फ्लरिश कर गए, ये चीज है। ओके, नाउ जो साइट्स हमको मिलती है वो या तो पाकिस्तान में है या फिर इंडिया में है। पाकिस्तान में चन्हुदरो, आमरी, मोहन जोदड़ो, हड़प्पा, ये सब हड़प्पन साइट्स हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स हैं। आईवीसी में पढ़ने वाले हैं हम लोग। साउथ ईस्टर्न राजस्थान, साउथ ईस्टर्न राजस्थान, ठीक है, इस वेस्टर्न मध्य प्रदेश, मालवा रीजन, वेस्टर्न महाराष्ट्र, डॉर्वे कल्चर, आयात कल्चर, ये सब डेवलप हुआ इस भैया, एक्सेप्ट अलूवियल प्लेन्स, जितने भी थिक फॉरेस्टेड थे उन चीजों को छोड़ करके सब जगह पर एग्रीकल्चरल, ड्राई एग्रीकल्चरल एरियाज में चेल्कोलिथिक सेटलमेंट शुरू हो गया। अब सर क्वेश्चन हमारा ये आता है कि जो थिक फॉरेस्टेड एरिया था यहां पर सेटलमेंट क्यों नहीं हुआ, यहां पर सेटलमेंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भैया? डेंस फॉरेस्ट है ना, पेड़ थोड़े ना काट पाएंगे कॉपर की कुल्हाड़ी से, उसके लिए चाहिए हार्ड मटेरियल। तो जब आयरन का इन्वेंशन हुआ, जब आयरन से एक्वेंटेड हुए, तब आयरन एक्स बना, आयरन एक्स बनाया गया, कुल्हाड़ी बनाई गई, और इससे इन थिकली डेंस फॉरेस्ट को कट डाउन किया गया, और जितना भी अलूवियल प्लेन का जो रीजन है, स्पेशली गंगा यमुना का जो रीजन था, ठीक है, जहां पर डेंस फॉरेस्ट थे, उस पूरी लैंड को साफ करके उसको एग्रीकल्चर के लिए हार्नेस किया गया। ठीक है, उसको एग्रीकल्चर के लिए हार्नेस किया गया। देखो भैया, ये पूरा जो पार्ट है ना, ये एब्रप्टली राइज नहीं हुआ है, ठीक है, इस चीज को समझो। ठीक है, ये एक चेन है, नियोलिथिक सेटलमेंट से धीरे 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 ह्यूमन बींग अदर साइट्स पर भी सेटल होना शुरू हुए। ठीक है, आप बिल्कुल उसी तरीके से इमेजिन करो कि एक छोटा सा शहर है, ठीक है, वहां पर पॉपुलेशन कम है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उस शहर का पॉपुलेशन बढ़ना शुरू होता है, उस पर्टिकुलर सिटी का एक्सपेंशन शुरू हो जाता है, नए एरियाज भी कॉलोनाइज होना शुरू हो जाते हैं, नए एरियाज डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, घर बनना शुरू हो जाते हैं, वहां पर मार्केट डेवलप हो जाती है, और वो भी अल्टीमेटली उसी रीजन का पार्ट बन जाता है, अगर उसे कुछ ना हो बीच में तो। ठीक है, ये चीज, तो यही सेम चीज उस टाइम के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, जैसे आप जिस शहर में रहते हैं, मान लो दिल्ली है, आप लोग दिल्ली में रह रहे हो, ठीक है, तो दिल्ली आज से लगभग लगभग 70 साल, 80 साल पहले क्या था, छोटी सी एक जगह थी। ठीक है, यस, नए नए एरियाज डेवलप नहीं हुए थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, न्यू न्यू एरियाज में सेटलमेंट शुरू हो गया। ठीक है, वहां पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो गई। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो गई तो बेसिक एमिनिटीज भी वहां पर आना शुरू हो गई। ठीक है, और वो जो है पुराने रीजन से जुड़ना शुरू हो गया, यस, जुड़ना शुरू हो गया, और वो अल्टीमेटली उसी में एब्जॉर्ब हो गया, उसका बाउंड्री एक्सटेंड हो गया, वो बड़ा शहर हो गया, पहले छोटा था फिर बड़ा बन गया, ये चीज। तो सेम चीज यहां पर भी थी भैया, जो कुछ साइट्स, जो कुछ सेटलमेंट्स नियोलिथिक एज में शुरू हुए, ठीक है, वो ग्रेजुअली बड़े होते चले गए, प्लस यहाँ के जो लोग थे ये अदर साइट्स पर भी सेटल डाउन होना शुरू हो गए। ठीक है, मान लो ऐसा कुछ हुआ होगा, ए पर्सन है, बी पर्सन है, दोनों पहले एक जगह पर रहते थे, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, ए वहीं रुक गया, बी घर छोड़ के चला गया, उसने एक नई जगह पर सेटलमेंट शुरू कर लिया। ट्रेड तो यही वाला था ना, यहाँ पर जहां पर दोनों साथ में रह रहे थे, वही सेम एक्टिविटीज उसने यहाँ पर परफॉर्म करना शुरू कर दी, तो ये साइट डेवलप हो गई। समझ गए, सेम कुछ ना कुछ ऐसा ही हुआ होगा, और इसीलिए ये साइट्स डेवलप हुए, बट टाइम डिफरेंस के साथ, यस भैया, टाइम डिफरेंस के साथ। ठीक है, ये चीज आप ये देखो, राजस्थान में अहर कल्चर, अहर कल्चर ये डेवलप होता है 2100 से 1500 BC पीरियड में। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो 2300 BC से लेकर के 1900 BC तक ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैच्योर फेज है। ठीक है, मैच्योर फेज है उस टाइम पर, बिल्कुल भैया इसी टाइम से ये कोइंसाइड कर रहा है, ये अभी भी विलेज कल्चर है, यस, चेल्कोलिथिक कल्चर है ये, अभी भी ये ब्रॉन्ज कल्चर में कन्वर्ट नहीं हुआ रिवर बनास में। ठीक है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर है यहाँ पर, किलुंड। ठीक है, यस, मेटलर्जी, स्मेल्टिंग, ये चीज, प्लस एक चीज ये भी हम लोग नोट कर सकते हैं कि इन कल्चर से, ये जो सेटलमेंट्स थे, इन सेटलमेंट से भी जो रॉ मटेरियल इंडस वैली सिटीज में सप्लाई हुआ करता था उस टाइम पर। ठीक है, ये चीज, ठीक है, इट इज अ प्योर कॉपर साइट, इनको कॉपर सप्लाई होता था खेतरी माइंस से। ठीक है, कयात कल्चर,
कयात कल्चर, काली सिंध नदी के किनारे जो कि चंबल से मिल जाती है, उज्जैन के पास में है कयात, ये भी चिरकुलतिक साइट है, ठीक है। यस डेटिंग द सेम 2100 BC अराउंड, ठीक है। सवालदा कल्चर, ठीक है, धुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, सेम दैमाबाद ये सजेस्ट करता है यहाँ पर, ठीक है, यस मेन साइट है। मालवा कल्चर नवडतोली, ये वेस्टर्न पार्ट महेश्वर रीजन, मालवा कल्चर यहाँ पर इमर्ज हुआ। अगेन द रिचेस्ट चेल्कोलिथिक सेरामिक्स, यहाँ पर सेरामिक्स है, ठीक है, यस। और इसी सेरामिक्स का बिल्कुल एक्सटेंडेड पार्ट है मोरबी गुजरात में, ये मालवा कल्चर का ही पार्ट है। यस मोरबी जो है सेरामिक्स की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज है मोरबी के अंदर, आज जितने भी सेरामिक गुड्स हैं, टाइल्स हो गई, सैनिटेशन की जितने भी गुड्स हो गए, सब कुछ मोरबी के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं। यस भैया ये चीज आज भी, ठीक है। वेस्टर्न में बात करें, वेस्टर्न महाराष्ट्र में तो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में प्लेस है जौरवे, जौरवे यहाँ पर जौरवे कल्चर डेवलप हुआ, ठीक है। जौरवे कल्चर डेट देखो 1400 to 700 BC, ये आर्यंस का पार्ट है, ठीक है। ये 1500 BC में आर्यंस आ गए थे। लो भैया 700 BC आयरन की डिस्कवरी हो चुकी थी 1100 BC में, ये चीज। तो ये कल्चर, इस तरीके से कल्चर स्टैब्लिश होते हैं, इस तरीके से ये स्प्रेड आउट होना शुरू हुआ, ठीक है। प्रभास रंगपुर ये गुजरात के अंदर है, रंगपुर, रंगपुर वॉज अ सेटलमेंट साइट, इंडस वैली साइट इट इज, है ना। ये चीज चिरांद, सेनवर, सोनपुर, तारादी, ये सब बिहार के अंदर है, ये फिर लेटर फेस में डेवलप हुए, ठीक है, लेटर फेस में। ओके भाई कुछ ऐसा हुआ रहा होगा, देखो ये इंडिया है, ठीक है, यहां पर थे इंडस वैली पीपल, आर्यन आए, इनको शिफ्ट कर दिया, इनको क्या किया, शिफ्ट कर दिया, इस रीजन को खत्म किया, ये सेटल डाउन हो गए आर्यन, और जो इंडस वैली पीपल थे वो कुछ इस रीजन में सेटल डाउन हो गए। तो यहाँ पर जो इसके फीचर थे वो अब यहाँ पर आना शुरू हो गए, लेकिन उतना उनके पास रिसोर्सेस नहीं था, तो इसीलिए ये जो है विलेज कल्चर में डेवलप हुआ, कुछ ऐसा रहा हुआ होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा, है ना, ये पार्ट गॉट इट। इस तरीके से ये साइट्स, ये चेल्कोलिथिक कल्चर, ये सारी साइट्स डेवलप हुई, ठीक है। इकोनॉमी भी कुछ इस तरीके की हमको मिलती है, ब्लैक कॉटन सॉइल में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं ये चेल्कोलिथिक पीपल, यस दे वर प्रैक्टिसिंग द एग्रीकल्चर, यस माई डियर फ्रेंड्स, यस मेन स्टे है इनकी इकोनॉमी का एग्रीकल्चर, स्टॉक रेजिंग एग्रीकल्चर, ठीक है, यस मेन फूड क्रॉप से बार्ले, वीट, राइस, बाजरा, ज्वार, ये सब जो है इंडस वैली पीपल भी ग्रो किया करते थे, ये चीज। लेकिन रीजनल डिफरेंसेस देखने को मिले हैं, बिल्कुल वेस्टर्न इंडिया में वीट होता था तो ईस्टर्न इंडिया में राइस ग्रो होता था बिकॉज ऑफ रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, आज भी ये चीज है। यस वेस्टर्न इंडिया में रेनफॉल कम है, सर्दी अच्छी पड़ती है तो देखो वीट के लिए कंड्यूसिव है, रबी क्रॉप है, यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट में रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है तो ये राइस के लिए कंड्यूसिव है, ये चीज आज भी है, उस टाइम पर भी अवेलेबल था। सीरियल्स, यस बार्ले इट वाज अ प्रिंसिपल सीरियल, नवदतोली से हमको एविडेंसेस मिले हैं। हाउसेस भी बिल्कुल रेक्टेंगुलर और सर्कुलर थैच रूफ से बने हुए है ना। सवालदा कल्चर में तो हमको सिंगल रूम और मल्टी रूम हाउसेस भी मिले हैं, है ना। टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स, तब देखो टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स, ये आईवीसी का बेसिक फीचर था, इंपॉर्टेंट फीचर था इंडस वैली पीपल का, ये भी हमको यहाँ पर चेल्कोलिथिक साइट्स में देखने को मिले हैं। तो ये हो सकता है कि भाई अपने साथ में टेराकोटा के फिगर्स बनाने की टेक्निक वो साथ में लेकर के आए हो, है ना। ये हमको होर्ड्स मिले हैं, ब्रोंज के बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हमको देखने को मिले हैं, बिल्कुल एलिफेंट, राइनोसेरस, है ना, ये राइडर, टू व्हील्ड चैरियट्स, ये मिले, चैरियट मिला दिस, ये वो भी चेल्कोलिथिक एज में, सोचो चेल्कोलिथिक एज का, है ना, वो भी ब्रोंज का, ये क्या बताता है कि यस दे हैव बीन एक्वेंटेड विद आर्यंस, बिल्कुल आर्यन से वो कभी ना कभी मिले होंगे, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि आर्यंस अपने साथ हॉर्सेस और चैरियट्स लेकर के आए, तो कभी इन्होंने देखा होगा इसको, किसी ना किसी पर्सन ने देखा होगा तो उसने इसको ब्रोंज इमेज में बना दिया, ये चीज इट इज देयर, है ना। रिलीजन बिल्कुल फिगरेंस, फीमेल फिगरेंस मिले हैं, है ना, ये पार्ट, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, भैया इंडस वैली में भी था ना ये चीज, बिल्कुल था। तो ये एक तरीके से बोलते थे कि एब्रप्टली ये कभी कहीं पर भी राइज नहीं हुई, ये कंटिन्यूशन में प्रोसेस चली है, लिंक्ड है, जुड़ा हुआ, लेकिन सिर्फ अंतर क्या है, अंतर सिर्फ इतना है कि इसके अंदर कि भैया किसी एक फेज में इस रीजन में था, यहां पर डिक्लाइन हुआ तो यहां पर फ्लरिश होना शुरू हो गया किसी और रीजन में, ईस्टर्न पार्ट में या फिर सेंट्रल पार्ट में या फिर वेस्टर्न पार्ट में ये फ्लरिश होना शुरू हो गया, ये डिक्लाइन हो गया ये फेस, लेकिन यहाँ पर ही आया सेम टू सेम, ठीक है, या फिर इससे थोड़ा सा बैकवर्ड, थोड़ा सा, अगर ये अर्बन इकोनॉमी थी तो यहाँ पर कुछ बनी तो रूरल इकोनॉमी बन गई, ये चीज। और यही है भैया हिस्ट्री का नियम, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, जो तीन पार्ट में डिवाइड की गई है ना हिस्ट्री, वो भी इसी तरीके से की गई है कि भैया पहले जीरो पर थे, एकदम जेनिथ पर पहुंचे अर्बन फेज पर, फिर डिक्लाइन कर गए, फिर राइज किए, फिर ऊपर गए, फिर डिक्लाइन कर गए, ये चीज है।
इस तरीके से, ठीक है। बेल फिगर्स भी मिलते हैं हमको यहाँ पर जॉर्वी कल्चर में, ठीक है। इस डेड्स बाय बरियल, ठीक है, इन नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन, ये देखो नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, ये हिंदू कल्चर के हिसाब से भैया आज भी जब बरी किया क्रीमेट किया जाता है किसी भी डेड बॉडी को तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के हिसाब से किया जाता है, हमेशा उसका सर नॉर्थ की तरफ रखा जाता है और पैर साउथ की तरफ रखे जाते हैं। प्लस हम लोग घर में भी जब अपना घर बनाते हैं बेड, जब स्टैब्लिश मतलब जब बेड बनाते हैं रूम के अंदर, तो भी यही चीज देखते हैं कि हमारा सर साउथ की तरफ हो और पैर नॉर्थ की तरफ, ठीक है। यस भैया यस, ये ओरिएंटेशन ये ध्यान रखा गया, लेकिन जब डेड हो जाते हैं तब नॉर्थ की तरफ सर होता है और साउथ की तरफ पैर होता है, ये चीज, ये कुछ वास्तु शास्त्र जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इस तरीके से सोशल ऑर्गेनाइजेशन वॉज देयर। यस रैंकिंग और इनइक्वालिटीज भी है यहाँ पर, वो हमको मिल गया नवतोली में, देखो घर है ना, ये चीज सिंगल रूम भी था थ्री रूम भी था ये चीज है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए भी कुछ पब्लिक स्ट्रक्चर्स थे। अब ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया 2700 BC के अराउंड में या 1400 BC के अराउंड में, भैया यही ईयर बताया ना मैंने आपको, ये कहाँ से आ गया, तो ये कहीं ना कहीं आईबीसी से आया होगा, वहां के जो लोग हैं इन रीजन में आके सेटल डाउन हो गए होंगे, ये चीज ठीक है। ये पार्ट डिक्लाइन बिल्कुल भी है, मेटल कॉपर था, कॉपर से हार्ड मटेरियल मिल गया 750 BC में, लगभग लगभग देखा जाए तो जितने भी रीजन्स थे इंडिया के अंदर उन सब ने आयरन को एडॉप्ट कर लिया। साउथ इंडिया में तो ये हालत थी कि जहां पर जो नियोलिथिक साइट था वो नियोलिथिक साइट जो है वो सीधे आयरन एज में कन्वर्ट हुआ, चेल्कोलिथिक एज तो आया ही नहीं यहाँ पर बीच में, ठीक है। ये चीज सिर्फ डॉर्वे कल्चर जो था वो 700 BC तक कंटिन्यू रहा है, ठीक है, बाकी सारे के सारे कल्चर 1200 BC तक जो है खत्म हो गए, गायब हो गए, डिसअपियर्ड हो गए, ठीक है। ये चीज गॉट इट, ये पार्ट ईस्टर्न इंडिया में चेल्कोलिथिक पेज जो है बिल्कुल बिना किसी गैप के आयरन फेज से ओवरलैप कर गया, फुल फ्लेजेड ओवरलैप कर गया, और इस आयरन एज ने ईस्टर्न इंडिया को एकदम से ट्रांसफॉर्म कर दिया, क्योंकि तो यहां पर मिल गया हमको क्या, हाईली फर्टाइल लैंड, हाईली फर्टाइल लैंड। और देखो लेटर वेदिक एज पूरा का पूरा ईस्टर्न इंडिया बेस्ड है, ईस्टर्न इंडिया बेस्ड है, ठीक है। यस वहां पर कोई भी कल्चर फ्लरिश ऐसा नहीं किया पहले, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया में सिर्फ मिला लैंड, जितने भी एम्पायर मिले, मगध कहाँ है, मगध ईस्टर्न इंडिया में है मेरे भाई, बिहार में पटना शहर है ना, कहाँ है, ईस्ट में है बिल्कुल, वो तो ना नॉर्थ वेस्ट में बना है, ये चीज समझ गए क्या पार्ट, ये चीज, ये कंटिन्यूटी यहाँ पर शुरू हो गई, ठीक है, ये चीज। और साउथ में तो सीधे मेगालिथ कल्चर्स आयरन एज में कन्वर्ट हो गया ये पार्ट, ठीक है, ये चीज। रीजनल वेरिएशंस बहुत सारे हैं बिल्कुल, मालवा सेंट्रल एशिया कयात है ना, ये चीज है ना, ये पार्ट है ना। हाँ बेटा अनुराग आप बिल्कुल सही बोल रहे हो बिल्कुल, ठीक है। ईस्टर्न इंडिया जो है यहाँ पर राइस प्रोड्यूस होता है, बार्ले वीट वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है, ये चीज है, दिस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है, ये चीज। कयात सेटलमेंट्स, कयात ईरान मध्य प्रदेश इमामगांव, ये सब अलग अलग टाइम जोन के हैं, आज सब अलग अलग टाइम पीरियड में ये सेटल डाउन हुए हैं। अचीवमेंट्स बहुत सारे भैया, दे वर द फर्स्ट टू यूज द पेंटेड पॉटरी, ड्रिंकिंग स्टोरिंग पॉट्स ईटिंग इन सब के काम में आते थे, ठीक है। वेस्टर्न महाराष्ट्र के लोग कॉलोनाइजर्स थे, ये स्टार्टेड दे स्टार्टेड मेकिंग द कॉलोनीज ओवर देयर, फर्स्ट विलेज कम्युनिटीज पेनिनसुलर इंडिया में इन्हीं लोगों ने बनाई, चेल्कोलिथिक पीपल ने स्टैब्लिश करी और यही बाद में फ्लरिश किए, ठीक है। यस फर्स्ट फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स दे स्टार्टेड ओवर देयर टू प्रोड्यूस द कॉटन, लिमिटेशंस बस इतना था कि दे डू नॉट हैव एनी नॉलेज, दे डू नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट द आयरन, ठीक है, ये चीज। फूड प्रोड्यूसिंग था लेकिन इन्फेंट मॉर्टेलिटी काफी ज्यादा थी, बिकॉज बोलते हेल्थ फैसिलिटीज अच्छे नहीं थे, एंड दे डू नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर हमको आर्टिंग बिल्कुल अगर हमको राइटिंग में कुछ मिल जाता ना यहाँ पर, तो हम इस हिस्ट्री को भी प्रॉपर तरीके से रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे। अभी क्या ये स्कैटर्ड है, यस ये काफी स्कैटर्ड है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम पीरियड के हमको आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर तो इतना बड़ा गैप है कि हमको उसको मैच कराने में ही दिक्कत हो जाती है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। इसीलिए जब प्री हिस्ट्री का पीरियड है ना, जब हम लोग पढ़ते हैं इसको किताबों के अंदर जब हम पढ़ते हैं ना, तो समझ में नहीं आता, इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको एक कंटिन्यूटी के साथ पढ़ोगे ना और जोड़ने की कोशिश करते चले जाओगे, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, बिल्कुल ये जुड़ जाएंगे और आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी जो मैंने अभी आपको बताया कि भैया नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सेटलमेंट शुरू हुआ, वहां से फिर लोग बाग धीरे 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 सेंट्रल पार्ट में,
वेस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में और सदर्न पार्ट में माइग्रेट करना शुरू हो गए। और यही माइग्रेंट्स थे जो अपने साथ इन चीजों को, यस, प्री हरप्पन टेक्नोलॉजी और द हरप्पन टेक्नोलॉजी, उसको साथ में लेकर के गए, वहां पर स्टैब्लिश किया। लेकिन अब उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे, उतने लोग नहीं थे कि प्रॉपरली एक अर्बन फेज में वो डेवलप कर पाए, ठीक है। इसीलिए वो थोड़ी सी रूरल टच के साथ वहां पर, ठीक है। यस वेल, जो हमको आर्टिफैक्ट्स, जो हमको मॉन्यूमेंट्स, जो हमको स्ट्रक्चर्स इंडस वैली में मिलते हैं, वो मिलते हैं दूसरी जगह पर, लेकिन नॉट टू दैट परफेक्शन, ठीक है। यस, नॉट टू दैट परफेक्शन, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे जोड़ोगे तो आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसको अरेंज कर पाओ, ठीक है। तो ये पार्ट, तो ये छोटा सा अपना सेशन था प्री हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज आप दोस्तों, अगर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। बिल्कुल भैया, I just covered paper one of optional geography. Paper two is still to complete. Very good, Anurag. अगर paper one cover हो गया, बहुत अच्छे। Paper two तो पूरा Indian geography है ना? Yes, Indian geography. Majid Hussain अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है Majid Hussain, ठीक है। For human geography part, Majid Hussain is one of the best book, ठीक है। And for the physical part, physicals मैं बोलूँगा Indian geography को पढ़ोगे तो India yearbook को साथ में रखो और उसके बाद पढ़ो, ठीक है। Yes, economics को भी अच्छे से पढ़ना, एग्रीकल्चर, मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, इन टॉपिक्स को मत छोड़ना, स्लम्स, ट्राइब्स, है ना, इन टॉपिक्स को मत छोड़ना। सर, एंशियंट क्लास की क्लास रोज होती है? हाँ अभिषेक, रोज होती है बेटा, डेली 9 PM, है ना। सर ज्योग्राफी ऑल्सो? सर यस बेटा, मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा अनअकैडमी स्पेशल ऐप, जो अनअकैडमी का ऐप है उसके ऊपर, है ना। यस, फ्रॉम नेक्स्ट वीक, फ्रॉम ट्यूजडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एट 4 PM ज्योग्राफी। यस, लेकिन वो होगा अनअकैडमी के ऐप पर, वो यहाँ पर नहीं होगा, यूट्यूब पर नहीं होगा, अनअकैडमी पर होगा, ठीक है। आदित्य राजन, सर हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी न्यू या ओल्ड पढ़े? देखो बेटा, एनसीईआरटी सारे अच्छे हैं, और ओल्ड पढ़ना चाहो तो ओल्ड पढ़ लो, वैसे ओल्ड ही पढ़ो तो ज्यादा सही है, न्यू वाली में इतना कुछ आपको मिलेगा नहीं, है ना। सो फॉर जीएस पॉइंट ऑफ व्यू ज्योग्राफी के लिए बुक बता दो। फॉर जीएस पॉइंट ऑफ व्यू ज्योग्राफी के लिए सबसे अच्छी किताब है एनसीईआरटी एंड जीसी लियोंग अलोंग विद द एटलस, बहुत अच्छी किताब है बेटा, जीसी लियोंग बहुत अच्छी किताब है, अच्छे से उसको समझ के, एक एक लाइन समझ के पढ़ लोगे केशव, तो आपका ज्योग्राफी का पर्पज पूरा सॉल्व हो जाएगा। वेलकम अरुण, वेलकम। करंट अफेयर्स के लिए तो बेटा न्यूज़पेपर ही काफी है, न्यूज़पेपर डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, इंपॉर्टेंट न्यूज लिखने से अच्छा है, नोट्स बनाने से अच्छा है कटिंग रखो अपने पास उन पर्टिकुलर न्यूज की। सर मैं आईएएस में, इंग्लिश जरूरी है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं, हिंदी में लिखो पेपर, हिंदी भी जरूरी है, ठीक है। लेकिन सर आईवीसी वाले सिविल इंजीनियरिंग किए थे क्या? वो भी आईआईटी से? हाँ बेटा, लगता तो ऐसा ही है, आईआईटी से नहीं किए होंगे वो लोग, एमआईटी से पढ़ के आए होंगे यार, है ना। यस, भयंकर वाली सिविल इंजीनियरिंग थी उनकी, भयंकर वाली, है ना। आज की भी सिविल इंजीनियर नहीं बना पाएंगे ऐसे ऐसे आर्टिफैक्ट्स। यस, इट इज बेस्ट, जीसी लियोंग इज बेस्ट बिना किसी डाउट के। नहीं भैया, रोस्ट भैया, मैं डिस्काउंट भी नहीं दूंगा, मत लो आप ना, चिंता मत करो, ये पुण्य के काम मुझे करना नहीं आता बेटा, है ना। सर ऑप्शनल फॉर इकोनॉमिक्स, सर ऑप्शनल फॉर इकोनॉमिक्स, सर दिस टाइम इन प्री मोर क्वेश्चन वर आस्क्ड फ्रॉम एंशियंट हिस्ट्री। हाँ बेटा बिल्कुल, वो तो होगा भाई, सब लोग मॉडर्न पढ़ रहे हैं, एंशियंट और मीडिएवल कोई पढ़ ही नहीं रहा, तो भैया ध्यान लाया जाए उनकी तरफ, है ना। तो ये यूपीएससी का काम है बिल्कुल। यस बेटा, करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर बिल्कुल, और न्यूज़पेपर से नोट्स मत बनाना, न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज आपको इंपॉर्टेंट लगती है जस्ट कट इट डाउन, उस कटिंग को रखो अपनी कॉपी में चिपका करके या फिर कहीं पर भी, जिससे आप बार बार उसी को रिवाइज कर सको। ये बहुत ज्यादा जो है वो बेनिफिशियल होता है, ठीक है, ये चीज, इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द करंट अफेयर्स ऑफ मैगजीन्स एंड इन सब के थ्रू, ये चीज। अनअकैडमी, सर जियो की क्लास फ्री होगी आपकी अनअकैडमी पर? तो बेटा हर चीज तो फ्री में नहीं मिल पाती आदित्य भैया, फिर भी कुछ क्लासेस उसमें से रहेंगे, है ना, ये चीज।
बेटा सभी का वीक होता है, नहीं हिंदुस्तानी है हम लोग, इंडियंस हैं, इंडियंस की इंग्लिश हमेशा वीक होती है ना? तो ये इंडियंस की इंग्लिश हमेशा वीक होती है, तो घबराओ मत इससे। बेटा देखो प्लस कोर्स में भी रहेगा और फ्री कोर्स में भी रहेगा, ठीक है? पर आप ये ऐसा मत रखो, मैं सजेस्ट यही करूंगा बेटा कि अगर आपको वाकई में सिविल सर्विसेज क्रैक करनी है, यस माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी के क्वेश्चंस पढ़ने के बाद ये बहुत सारे कंक्लूजन पर मैं पहुंचा हूँ। देखो बेटा, अगर हमको सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करनी है तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रेगुलरिटी, ये हमको मेंटेन करना है। देखो बेटा, फ्री फ्री होता है, पेड पेड होता है, ठीक है? यस, पेड एक तरीके से पेड़ होता है, इसमें फल की खूब बारिश होती है, और फ्री फ्री होता है। यस, इट इज जस्ट लाइक अ फ्री फ्लोइंग ऑफ वाटर, जिसने पकड़ लिया उसका, जिसका नहीं पकड़ पाया वो चला गया, ठीक है? पर पेड़ जो है ये एक तरीके से हिंदी में अगर इसको थोड़ा सा करप्ट फॉर्म में पढ़े तो इट इज अ पेड़, पेड़ मीन्स ट्री, ठीक है? ट्री मीन्स इट इज लेडन विद द फ्रूट्स एंड नाउ दीज फ्रूट्स आर ऑल योर्स, ठीक है? बस अब समझने की देर है बेटा। बिल्कुल सिविल सर्विस की तैयारी, बिल्कुल सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी सेल्फ भी हो सकती है, बिल्कुल, लेकिन इतना वाइड सिलेबस है बेटा, इतनी वैरायटी ऑफ चीजें हैं कि कहीं ना कहीं जाके हम अटक जाते हैं, और वहां पर हमको एक गाइड की जरूरत होती है, बिल्कुल, एक ऐसे बंदे की जो हमको इस मुसीबत से निकाल सके, जो हमारी प्रिपरेशन को हैम्पर भी कर जाती है, जो हमारा मेन हर्डल होता है, ठीक है? ये चीज इसको निकालेगा आपका पेड़, मीन्स पेड वाली क्लासेस, जो आपका मेंटर होगा, जो आपका टीचर होगा, जिससे आप वो सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, कि आप उससे सारे के सारे डाउट्स अपनी क्लास में डिस्कस कर सकते हो। तो ये फायदा होता है सब्सक्रिप्शन का या कोचिंग करने का, ठीक है? ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, अब कोई अंतर बचा भी नहीं, जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं ऑल आर ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है? इस दिल्ली के जितने भी अच्छे एजुकेटर्स हैं, आपको दिल्ली जाने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने घर पर बैठ के पढ़ सकते हो, बिल्कुल, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना रहेगा। और फीस, दिल्ली जाओगे 2 लाख रुपए फीस है, रहने खाने पीने का खर्चा अलग, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ 44,000 फीस है 1 ईयर कोर्स की, ऑनलाइन, बिल्कुल ऑनलाइन। आप एक बार ऐप पर आओ, अभी 10:30 बजे क्लास है, ठीक है? जस्ट कम ऑन द ऐप, स्पेशल क्लास अटेंड करो, आपको सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? ये कैसा इंटरफेस है, किस तरीके से पढ़ाई होती है, ठीक है? ये चीज आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अमित मोदी रेफरल कोड यूज करोगे तो इसमें फीस में डिस्काउंट भी मिल जाएगा, फीस और कम हो गई, फीस हालांकि बढ़ने वाली है, अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो तो आप जल्द से जल्द करो सब्सक्राइब, ठीक है? पर बेटा ये ध्यान रखना, अगर आप वाकई में सिविल सर्विस को क्रैक करना चाहते हो, आपका वाकई में ड्रीम है, एम है कि भाई मेरे को सिविल सर्वेंट बनना है, मुझे आईएएस या आईपीएस जैसी पोस्ट पानी है, तो बॉस बिना इसके ना हो पाएगा, ये हम अभी बता दे रहे हैं आपको, ठीक है? बाकी फिर आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, हमारा 12 साल, 6 साल का प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस और 12 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस, 18 साल हो गए भाई, ठीक है? तो ये आप खुद समझदार हो, अब मैं क्या बताऊं आपको, आप बड़े बच्चे हो, ग्रोन अप हो गए हो, ठीक है? पर मैं अल्टीमेटली यही कहूंगा, रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए हमको इस पेड़ की जरूरत पड़ती है, यानी कि पेड क्लास की, बिल्कुल। फ्री, ओके, सब कुछ मिल जाता है फ्री में, लेकिन हर चीज फ्री में नहीं मिलती बेटा, देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, वी ऑल नो दैट, ठीक है? तो यहाँ पर हमको इस पेड़ की जरूरत पड़ेगी, यानी कि पेड क्लासेस की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल, कहीं ना कहीं जाके हम अटक जाते हैं। बेसिक्स तैयार कर लेंगे, लिंकिंग कैसे सीखेंगे ये कोई नहीं सिखाता बेटा, बिल्कुल, सब्जेक्ट को लिंक करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस को फर्स्ट टाइम में करना, बिल्कुल बेटा, ठीक है? तो मैं सजेस्ट ये करूंगा, टेक योर टाइम, थिंक इट, थिंक ओवर इट एंड गो विद द सब्सक्रिप्शन कोर्स। अनअकैडमी से बेस्ट आपको और कहीं नहीं मिलने वाला, और वो भी घर बैठे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज घर बैठे, अपने कंफर्ट जोन में रह करके आप पढ़ाई कर सकते हो किसी भी समय, कोई बाउंडेशन नहीं है, सुबह पढ़ना चाहो सुबह पढ़ो, दोपहर पढ़ना चाहो दोपहर पढ़ो, शाम पढ़ना चाहो शाम पढ़ो, रात पढ़ना चाहो तो रात पढ़ो, बिल्कुल कोई बाउंडेशन नहीं। ओके गाइस, तो मिलते हैं 10:30 बजे, आओ अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर इंस्टॉल करो अपने अपने मोबाइल फोन में, ठीक है? 10:30 बजे अभी हमारा सेशन है, इसका फंडामेंटल राइट्स के एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे, बिल्कुल, चैप्टर वाइज चैप्टर है, पेज वाइज पेज चलते हैं एमसीक्यू सारे, बिल्कुल पेज वाइज पेज, तो आओ अपन डील करते हैं, ठीक है? अभी 10:30, ठीक 8 मिनट के बाद अपना सेशन शुरू हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।